हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग वर्ल्ड 24/7। आज हम बात करेंगे AFM के मॉड्यूल ए के यूनिट 4 की, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। मॉड्यूल ए अभी हमारा चल रहा है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। अभी तक हम लोगों ने थर्ड यूनिट कर लिया है, मेंटेनेंस ऑफ कैश सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर। अब हम बात करेंगे फोर्थ यूनिट की, जो कि है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। और जो पहले दो यूनिट हैं, इन दोनों में अंदर थ्योरी है, जो कि हम इन लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो फोर्थ यूनिट की बात करें, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो इसके अंदर हम ये सभी टॉपिक देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, जैसे नाम से लग रहा है कि बैंक और रिकंसिलेशन और स्टेटमेंट। देखो, बैंक की जो हमारी पासबुक होती है, पासबुक, उसकी जो ट्रांजेक्शन रहती हैं, जैसे जो भी क्रेडिट डेबिट, हाँ, जो हम पूरा दिन में या पूरे साल में जो भी करते हैं, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड के अंदर जो करते हैं, उसको हमारी कैशबुक के साथ रिकनसाइल करना। रिकनसाइल का मतलब कि उसको मिलाना, कि जितनी एंट्रीज हमने हमारी पासबुक में डेबिट करी हुई है, उतनी ही एंट्रीज क्या कैश बैंक की पासबुक में क्रेडिट है। ठीक है, अगर वो मैच कर रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा कैशबुक और बैंक की पासबुक, बैंक पासबुक दोनों बराबर हैं, रिकनसाइल हैं। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि आज के जमाने में क्या है कि जितने भी फॉर्म्स हैं या बड़े बड़े जो भी ट्रेड हो रहे हैं, वो क्या हो रहा है, कैश कम और उसके अंदर बैंक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। बैंक कैसे इन्वॉल्व है, क्योंकि ए ये एक फर्म है, ये बी फर्म है। ठीक है, तो ए को बी से सामान लेना, तो ए फर्म बी फर्म को ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीआई करके सब काम चला लेगा, क्योंकि यूपीआई की भी एक लिमिट है। लेकिन बैंक की चेकबुक का कितना भी दे सकते हो, चेक जितना भी काट सकते दे सकते हो, तो चेक की आज भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो हम ज्यादातर बिजनेस कैसे होता है, चेक से होता है। ठीक है, तो चेक हम अगर दे देते हैं, मान लो कि ये ए ने बी को चेक दिया। ठीक है, अब ए ने तो 10 तारीख को चेक दे दिया, लेकिन बी ने अपने बैंक को जब क्लियरिंग के लिए डाला, तो मान लो वो 12 तारीख को डाला। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है, दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर, मतलब उसको पैसा चला जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लो कि यही 10 तारीख की जगह तारीख होती 30 तारीख, 30 जनवरी मान लो। ठीक है, और इसने अपने बैंक में लगाया 2 फरवरी को। अब इसमें क्या होगा कि एक पीरियड चेंज हो गया, मान लो हम मंथली स्टेटमेंट बनाते हैं, तो 30 जनवरी वाला 2 फरवरी को डाला, तो इसमें पीरियड चेंज हो गया ना, तो उसके अंदर इनकी कैशबुक और पासबुक के अंदर डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, ये चीज हम समझेंगे आगे चल के। अभी सिर्फ आप मोटा मोटा ये समझ लो कि हमको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको हमारी कैशबुक और बैंक की पासबुक को रिकंसाइल करना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। इन टूडे टाइम देर इज वाइड स्प्रेड प्रेफरेंस फॉर पेमेंट्स एंड रिसिप्ट बींग थ्रू चेक रादर देन कैश। ठीक है, जो ही बात अभी मैंने बोली कि कैश से ज्यादा चेक की आज के टाइम में हमको जरूरत पड़ती है। सो एवरी फर्म ओपन एन ऑपरेटिंग अकाउंट विद सम ऑफ द अदर बैंक। ठीक है, तो सभी फर्म्स अपना एक ऑपरेटिंग अकाउंट रखती हैं किसी भी बैंक के अंदर। द बैलेंस इन द ऑपरेटिंग अकाउंट कैन बी विड्रॉ वेन एवर डिजायर बाय द फर्म एंड देयर फॉर इट इज ट्रीटेड लाइक कैश अवेलेबल विद द फर्म। ठीक है, तो जब भी उसको पैसा चाहिए होता है फर्म को, तो वो बैंक से विड्रॉ कर सकता है, और उसको हम बिजनेस के अंदर कैश अवेलेबल इन द फर्म ही काउंट करते हैं, मतलब कि वो फर्म के पास लिक्विडेट कैश पड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कैशबुक। कैशबुक के अंदर हम ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अब ये चीज आपको अगर पूरा विस्तार में देखना है, तो आप मेरा यूनिट थ्री देख सकते हो मॉड्यूल ए का, जो कि इससे पहले मैंने वीडियो डाला है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि कैशबुक के अंदर हम कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। इन द कैशबुक अलोंग विद कैश कॉलम अनदर कॉलम अंडर द नेम ऑफ बैंक इज एडेड टू द अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू द बैंक अकाउंट, सो द यूजुअल फॉर्मेट ऑफ कैशबुक बिकम एज अंडर। देखो, ये हमारा कैशबुक का एक फॉर्मेट है, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने बैंक का कॉलम भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमको बैंक का अलग अकाउंट रखने का जरूरत नहीं पड़ता, हमको पूरे हमारे कैश की लिक्विडिटी इसी फॉर्मेट से पता चल जाती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल के लिए है कि ओपनिंग बैलेंस कैश का हमारे बिजनेस के पास 2 लाख रुपए और बैंक के अंदर हमारा 1.5 लाख रुपए पड़ा है। ठीक है, फिर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया 10,000 रुपए, और कैश से डिपॉजिट किया तो 10,000 यहाँ पे माइनस कर दिया। इसकी एंट्री मैं आपको बता ही देता हूँ, चलो, लेकिन ये बात मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। अब जैसे मान लो बिजनेस से कैश हम लोगों ने बैंक में जमा किया, तो हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट
टू कैश 10,000, 10,000। अब बैंक कैश को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि तो कैश क्या है, हमारा नॉमिनल काउंट है, ठीक है, सॉरी बैंक कैश हमारा क्या रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और बैंक क्या हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है कि जो हमको पैसा दे रहा है उसको क्रेडिट करो और जो ले रहा है उसको डेबिट करो, ठीक है। और रियल अकाउंट का क्या रूल है कि पैसा अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो और पैसा अगर आ रहा है तो उसको डेबिट करो, ठीक है। तो वही रूल से हमने किया इसको। और यहाँ पे हमने क्या किया, रेंट पे किया है, रेंट पे किसी किया बैंक से, तो 20,000 उसको क्रेडिट कर दिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, अनिकेत का चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक के नाम लिख दिया 20,000 रुपये, ठीक है। ये एक फॉर्मेट आपको दिखाने के लिए एक ऐसे एग्जांपल मैंने लगाया उसके अंदर। व्हाइल द प्रिंसिपल अप्लाइड टू द कैश अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो कैश अकाउंट का ये प्रिंसिपल है जो भी आपको बोल रहा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है तो कैश अकाउंट के कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अंकित से पैसा आया, तो अंकित से कैश आया मान लो 5,000 रुपये, तो हमने क्या किया, हमारा अकाउंट कैश का अकाउंट डेबिट कर दिया। और कैश का अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट कर दिया कैश अकाउंट जो आ रहा है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और किस से आ रहा है, अंकित से, तो उसको क्रेडिट कर दिया। द प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन बैंक अकाउंट इज द कैश अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो बैंक अकाउंट का क्या प्रिंसिपल है कि कैश बुक इज डेबिट सॉरी डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है उसको डेबिट करेंगे। मान लो कि हमने अंकित को पैसा दिया, बैंक से दिया, अंकित अकाउंट डेबिट, अंकित जो रिसीवर अंकित है तो उसको डेबिट कर दिया, और बैंक ऑन बैंक दे रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। सो व्हेन एवर एनी कैश चेक इज डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इट इज पोस्टेड एज डेबिट एंट्री इन द कैश बुक। वेन एवर कैश इज विड्रॉन और चेक इज इश्यूड द बैंक अकाउंट इज क्रेडिट इन द कैश बुक। ये क्या बोल रहा है, देखो जब हम कैश देते हैं, मतलब हम कैश देते हैं किसको, बैंक को, तो हम कैश दे रहे हैं तो हमारा कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश जा रहा है तो हम क्या करेंगे, बैंक में जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अगर कैश हम बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं तो हमको हमारे बिजनेस में क्या कैश आ रही है, ये सभी एंट्रीज जो हम कर रहे हैं ना, ये हम बिजनेस के परस्पेक्टिव से कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम तो हमारे बिजनेस में एंट्रीज कर सकती हैं, हम बैंक की एंट्रीज तो बैंक करेगा ना, तो हम ये हम कैश बैंक में जमा कराया, बैंक में जमा, और अगर बैंक से निकालेंगे तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि बैंक हमको दे रहा है, और क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, और बैंक से निकाला तभी एंट्री करेंगे। और ये यहाँ पे यही बोल रहा है, वेन एवर एनी कैश और चेक इज डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट इट इज पोस्टेड एज डेबिट एंट्री इन कैश बुक। मतलब चेक किसी जमा करा जाता है तो हम क्या करते हैं जी, बैंक को डेबिट कर देते हैं। वेन एवर कैश इज विड्रॉन एंड चेक इज इशूड द बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो यहाँ पे देखो, जब हमने विड्रॉ किया और या चेक इशू किया तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जी, ट्रांजेक्शन्स कंटेन्ड इन पासबुक बैंक स्टेटमेंट। अब पासबुक के अंदर कैसे ट्रांजेक्शन को कंटेन किया जाता है, मतलब कैसे उसमें दिखाई रखी जाती है। बैंक इज अ बिजनेस एंटिटी एंड जस्ट एज वी मेंटेन बैंक अकाउंट्स बुक्स, बैंक ऑल्सो मेंटेन ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मतलब जैसे हम अपनी फर्म में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, बैंक्स भी यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों की तादाद में अपने पास अकाउंट मेंटेन करते हैं। बैंक ओपन एन अकाउंट इन द नेम ऑफ आर फर्म इन इट्स लेजर एंड वेन एवर ए ट्रांजेक्शन इज डन द अकाउंट इज अफेक्टेड। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन होती है तो उसी हिसाब से उसका अकाउंट इफेक्ट होता है, या तो क्रेडिट होता है डेबिट होता है। पीरियोडिकली बैंक इशू ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कॉल्ड पासबुक। और बैंक क्या होता है, मतलब कोई भी अंतराल में, जैसे हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में, साल में, 6 महीनों में, क्वार्टरली, कैसे भी एक स्टेटमेंट जारी करता है जिसको पासबुक बोलते हैं। आज के टाइम में तो इतना एडवांस हो गया कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे पासबुक अपनी देख सकते हो। लेट अस सी हाउ द ट्रांजेक्शन मेंशन्ड अबव व्हिच अफेक्टेड द कैश ऑफ आवर फर्म एंड रिप्रेजेंट इन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन करी है
ये हमने अपनी कैश बुक के अंदर करनी है जो हम मेंटेन करते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन दिखाएगा कि जो हमने हमारी बैंक बैंक ने जो हमारे लिए करी है, इसमें क्या किया, बैलेंस कितना है 1.5 लाख रुपए, ठीक है, यहां बैलेंस कितना है 1.5 लाख रुपए, ये हमारा क्या है कैश बुक है, और वो ये हमारी फर्म का, ये हम फर्म में हमारी कैश बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये बैंक ने हमारे बिहाफ में, मतलब बैंक ये हमारा खाता मेंटेन करता है, ठीक है, तो ये कितना हुआ 1.5 लाख। अब कैश डिपॉजिट 10,000 रुपए, ठीक है, एक अब 10,000 डिपॉजिट किया तो हमने क्या किया जी, कैश हमारे बिजनेस से निकला लेकिन बैंक में जमा हो गया कितना 10,000, 1,60,000 हो गया, और यहाँ पे क्या है देखो, कैश डिपॉजिट इन बैंक 10,000, तो हमने क्या किया जी, हमारा कैश गया, ओ सॉरी, हाँ हाँ तो यही करेंगे ना, यहाँ पे हमने क्या एंट्री करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश किया होगा 10,000 से, तो हमारे कैश बुक में क्या किया हमने, बाय बैंक कर दिया, बाय बैंक कैश के अंदर 10,000 लिख दिया और बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक बैंक खाते में टू कैश करके हमने बैंक के कॉलम में 10,000 लिख दिया, ठीक है, आप समझ रहे हो, जैसे ये बैंक का कॉलम है, ये कॉलम बैंक है, तो हम क्या करेंगे, अब बैंक का और कैश का अकाउंट एक साथ पैरेलल चला रहे हैं, ठीक है, तो हुआ क्या जी, इस एंट्री का क्या मतलब कि हमने कैश अकाउंट में जाके बाय बैंक करेंगे, बाय बैंक कितना 10,000, तो बाय बैंक या कैश के कॉलम में 10,000 लिख दिया, अब बैंक खाते में जाके हम टू कैश लिखेंगे कितना 10,000, बैंक खाते में जाके हम टू कैश लिखेंगे 10,000, ठीक है, तो ये ऐसे डबल एंट्री सिस्टम काम करती है। उसके बाद हमने रेंट पे किया, बैंक से हमारे रेंट पे कर दिया 20,000 रुपये, कोई चेक इशू किया होगा या तो, ठीक है, तो 20,000 रुपये हमने हमारा बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि बैंक ने हमारे बिहाफ में किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय रेंट पेड। अब बैंक ने एटलीस्ट मतलब हमारे बिहाफ में किया तो बैंक ने एक तरह से हमको ही पैसा दिया ना, तो बैंक के अकाउंट में हमने लिख दिया 20,000 रुपये क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद क्या है, बाय क्लियरिंग, अब क्लियरिंग क्या हुआ, चेक हमारा क्लियर हो गया तो उसमें हमारे 20,000 रुपये जमा हो गए, ठीक है, तो 20,000 जमा हो गए, तो हमने क्या किया जी, बैंक टू डिपॉजिट चेक फ्रॉम अनिकेत, मतलब अनिकेत से हमको चेक मिला था, वही 20,000 रुपये क्लियरिंग क्लियर हो गया, तो हमने बैंक के यहाँ पे डेबिट कर दिया बैंक को और बैंक ने हमारे क्रेडिट कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे पैसे को बैंक में जमा करा रहे हैं या बैंक हमको पैसा दे रहा है, मतलब ये पैसा यूं घूम रहा है। अब यहाँ पे जो कैश बुक में जो डेबिट एंट्री होगी वो बैंक के अंदर क्रेडिट होगी और यहाँ पे जो क्रेडिट होगी वहां पे वो डेबिट होगी, ठीक है, बस यही घूमता है, पूरा चैप्टर इसी ऊपर है। देखो ये हमारी जो बैंक पासबुक है और ये जो हमारी कैश बुक है, ये एक दूसरे का मिरर है, मिरर बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे जो डेबिट एंट्री है, ये जितनी भी डेबिट एंट्री है वो वहां पे क्रेडिट एंट्री है, और यहाँ पे जो क्रेडिट एंट्री है वो वहां पे डेबिट एंट्री है। दोबारा देख लेते हैं, देखो ओपनिंग बैलेंस बैंक अकाउंट कितना 1.5 लाख रुपए, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 1.5 लाख रुपए। अब आगे देखो, 6 तारीख को हमने क्या किया जी, 10,000 रुपये हमारे अपने कैश से निकाल के बैंक में जमा करा दिए, ठीक है, अब बैंक में जमा करा दिए तो यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर देंगे, कैश जा रहा है, और बैंक को डेबिट कर देंगे क्योंकि बैंक में पैसे जा रहा है। अब बैंक को डेबिट इसलिए किया क्योंकि बैंक हमारे अपने खाते में 10,000 रुपये जमा करेगा, यहाँ पे बैंक के तो नाम ही लिखेंगे ना, मतलब बैंक को तो डेबिट ही करेंगे क्योंकि बैंक हमसे पैसा लेके गया, चाहे हमने दिया चाहे बैंक लेके गया, मतलब हमसे तो पैसा गया ना, तो बैंक को नाम डेबिट कर दिया और बैंक ने क्या किया, अपने बुक्स के अंदर हमको क्रेडिट कर दिया 10,000 रुपये, ठीक है, मतलब 1,60,000 रुपये हो गया। अब बैंक ने हमारे बिहाफ में 20,000 का रेंट पे कर दिया। अब अगर बैंक ने हमारे बिहाफ में 20,000 रेंट पे कर दिया तो बैंक हमको क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है, मतलब मैंने एक्स वाई जेड किसी पर्सन को पैसा देना था, ठीक है, हमने मैंने बैंक को चेक दे दिया कि जाओ एक्स वाई जेड को पैसा दे दो, तो बैंक ने उसको पैसा दिया, तो बैंक ने तो मेरे तो डेबिट करेगा ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपनी बुक्स के अंदर बैंक को क्रेडिट कर दूंगा, ये देखो बैंक को क्रेडिट कर दिया मैंने। उसके बाद अब वो इसके ये तो हुआ ही हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी, कोई अनिकेत नाम का आदमी मेरे को चेक दे गया 20,000 रुपये का। अब मैंने अपने बैंक को बोला जा भाई ये अब मेरे खाते में जमा कर दे, बैंक ने कर दिया जमा। अब मैंने बैंक को क्या कर दिया, डेबिट लिख दिया कि भाई बैंक ने मैंने बैंक को 20,000 रुपये का चेक दिया था। अब मैंने बैंक को बोला जाके जमा कर दे और बैंक ने मेरी बुक्स में अपनी बुक्स के अंदर मेरा 20,000 रुपये जमा कर दिए। अब नोटिस करने वाली बात यह है, ये तो ठीक है लेकिन देखो इसने मेरे को चेक दिया था 15 तारीख को और मैंने बैंक को उसी दिन डेबिट कर दिया 15 तारीख को ही 20,000 रुपये, लेकिन बैंक ने मेरा कब जमा किया 17 तारीख को, क्यों, क्योंकि ये चेक गया था क्लियरिंग के अंदर और क्लियरिंग में आपको पता है कि देखो 1 से 2 दिन का वक्त आज भी लगता ही लगता है, ठीक है, तो 20,000 रुपये मेरे 2 दिन बाद आए, ठीक है, तो यही
पूरा मतलब है कि कैसे बैंक की ट्रांजेक्शन रन करती है और कैसे हमारी कैश बुक की ट्रांजेक्शन रन करती है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे, इट मे बी सीन दैट ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बैंक इन आर कैश बुक्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जो जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारी कैश से रिलेटेड रहती है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में भी शो होती है। थ्रू द डेट्स ऑफ द सम ऑफ ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द चेक्स आर डिफरेंट। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि चेक से जो रिलेटेड कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी मिलेगी जो जिनकी डेट डिफर कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि वही बात, ये या तो मेरे को किसी ने चेक दिया, मान लो ए बंदा है कोई, उसने मेरे को चेक दिया मेरी फर्म को, अब मैंने उसने मेरे को चेक दे दिया और मैंने उसी दिन लगा दिया मेरे बैंक में कि मेरे बैंक को बोला कि जा जमा कर दो। अब मेरा खाता मान लो एक्स वाई जेड खाते में है, बैंक में है, ठीक है, लेकिन उसने मेरे को चेक दिया था एबीसी बैंक का। अब मैंने अपने एक्स वाई जेड बैंक को बोला कि भाई ये मेरा जमा कर दो, लेकिन ये बैंक क्या करेगा, क्लियरिंग हाउस में चेक भेजेगा और एबीसी बैंक से कंफर्मेशन आएगा कि हाँ भाई ये बंदा के अकाउंट में बैलेंस है, तो ये बैंक इस मेरे चेक को क्लियर करेगा। अब ये सब प्रोसेस में क्या एक से दो दिन का समय जाता है, तो यही वो बोल रहा है कि इसमें डेट का वेरी कर सकता है कि मैंने जब इसने मेरे को चेक दिया था, मान लो इसने मेरे को एक तारीख को चेक दिया, मैंने उसी दिन अपनी कैश बुक के अंदर क्या लिख दिया कि एक तारीख को मैंने बैंक में कैश जमा कराया, मतलब चेक जमा कराया, और मैंने अपनी कैश बुक के अंदर एक तारीख को ही एंट्री कर दी कि भाई एक तारीख को मैंने बैंक को पैसा, बैंक को चेक दिया, और मैंने यही मान लिया कि चेक बैंक ने मेरे नाम पे एक तारीख को ही पैसा मेरा जमा कर दिया। लेकिन बैंक ने ऐसा तो नहीं किया, बैंक ने जब बैंक मेरा चेक क्लियर होके आया तब उसने जमा किया, मान लो वो दो दिन लग गए तो तीन तारीख उसने मेरे बैंक में पैसा जमा कर दिया, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में एक तारीख लिख ली थी, लेकिन हुआ एक्चुअल में कब, तीन तारीख को। तो ये बोल रहा है कि डेट डिफर कर सकती है। इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका यह मतलब है कि डेट आर डिफर। ठीक है, सो देयर डेबिट द बैंक कॉलम इन आर कैश बुक बट द बैंक वी बिकम ए क्रेडिटर इन द अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन कैश बुक और पासबुक। ठीक है, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि हम जब हमारे कैश कॉलम को डेबिट कर रहे थे तो हमारा बैंक कॉलम क्रेडिट हो रहा है, ये बैंक कॉलम ये कैश कॉलम, इसको हम डेबिट करते हैं तो वो क्रेडिट हो रहा है और इसको हम अगर क्रेडिट करते हैं वो डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन तो है, ये बोलना चाह रहा है। अब ये क्या हो रहा है, इस पासबुक ए मिरर इमेज ऑफ कैश बुक। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि जो पासबुक है वो कैश बुक का मिरर इमेज है क्या, जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि हम कैश बुक को अगर डेबिट करते हैं तो वहां उसको क्रेडिट करेंगे और यहाँ इसको क्रेडिट करते हैं तो वहां उसको डेबिट करेंगे, तो हम तो बोल सकते हैं कि ये मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन मिरर इमेज है क्या नहीं वो कैसे पता चले? तो देखो एक सिंपल सा मैं आपसे एक बात बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, हाँ यहाँ पे उन्होंने बोला था कि एक तारीख को देता चेक तो वो तीन तारीख को जमा हो जाएगा क्लियरिंग में जाके। ठीक है, तो समझ आता है कि चलो हम जनवरी का ही बना रहे हैं और ये एक जनवरी है और ये तीन जनवरी है, तो वो तो सेम मंथ के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन इसकी बात हमने पहले भी करी कि मान लो वो 31 जनवरी को मेरे को चेक देके गया और मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री क्या कर दी, 31 जनवरी को मैंने चेक को बैंक में लगाया। ठीक है, लेकिन बैंक जब क्लियरिंग वाला काम जो करेगा उसमें दो दिन लेगा, तो मान लो उसने 2 फरवरी को मेरे जमा किया, लेकिन मैं तो अपनी कैश बुक का बैलेंस ये निकाल दूंगा ना कि 31 जनवरी को कि भाई मेरे पास इतना बैलेंस होना चाहिए, लेकिन पासबुक तो 31 जनवरी का कुछ और बैलेंस दिखाएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया ना, किस वजह से, क्योंकि बैंक क्लियरिंग में चेक फंसा रहा। या ये भी हो सकता है कि मैंने किसी को चेक इशू किया, मैंने किसी को चेक इशू कर दिया, अब मैंने तो उसी दिन बैंक को बोल दिया कि ये मेरा चेक है 10,000 रुपये का और ये मैंने मिस्टर ए को इशू किया है, और मैंने तो उसी दिन बैंक को क्रेडिट कर दिया उसी दिन सेम डे, क्योंकि बैंक मेरे बिहाफ पे मिस्टर ए को पैसा देने वाला है। ठीक है, लेकिन जब वो मिस्टर ए ने 10 दिन तक मानो बैंक में अंदर चेक लगाया ही नहीं, मतलब गया ही नहीं चेक लेके, तो 10 दिन तक तो मेरा पैसा बैंक मेरा डेबिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब तक मेरे पास तो बैलेंस रहा ना, लेकिन मेरे को एक्चुअल पता ही नहीं कि मैंने तो यही मान लिया कि मेरे पास बैलेंस कम है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल तो 10 दिन तक बैलेंस था। तो ये हम बोल सकते हैं ये प्रॉपर पूरी इमेज तब तक नहीं है जब तक कि वो डेट वाला जो ये है ना, मतलब डेट वाला मिसमैच रहेगा तब तक वो मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, अब यही बात हम देखेंगे थ्योरी के अंदर। समटाइम्स सम ऑफ द एंट्रीज इन आर कैश बुक आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक। ठीक है, वही बोल रहा है, और रिफ्लेक्टेड इन द डिले। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ए चेक इशूड बाय अस वी डेबिट द अमाउंट इन द बैंक इमीडिएटली, हम उसी टाइम डेबिट कर देते हैं अमाउंट को,
but it will reflected in the passbook only when it is presented and bank pays it. ठीक है, जब बैंक पे कर देता है तभी वो पासबुक अंदर दिखाई देगी ना। तो हम अपनी कैशबुक को तो हमने हमारे हाथ में, हम तो कभी भी उसको डेबिट कर नहीं, हम तो सबसे पहले डेबिट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली व्हेन ए चेक इज डिपॉजिट वी क्रेडिट इन आवर कैशबुक बट विल मेक ए एंट्री ओनली व्हेन द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑफ कलेक्शन और क्लियरिंग। ये बोल रहा है कि भाई जब कलेक्शन हो जाती है तब बैंक हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा, लेकिन हम तो उसी दिन कर देते जिस दिन हमने चेक लगाया। ऑल्सो बैंक चार्जेस इंटरेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पासबुक बट विल नॉट बी सीन इन द कैशबुक एज वी वर नॉट अवेयर ऑफ दीज एंट्रीज बाय द बैंक। ठीक है, तो हम बैंक क्या होता है, बहुत तरह के चार्जेस भी काटते हैं। जैसे हम सभी, मैं मान के चलूंगा हम सभी बैंक में काम करते हैं तभी हम JIB की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या फिर या ये फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड है तो हम DBF भी बोल सकते हैं कि DBF की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका तो अंदाजा हो गया कि बैंक कुछ चार्जेस काटता है या इंटरेस्ट पे करता है या इंटरेस्ट लेता है हमसे। ठीक है, तो वो एंट्री भी पासबुक में हमको शो होती है। हम ये नहीं जान सकते कि बैंक अगले महीने हमको कौन सा चार्ज और कितना रुपये काटने वाला है। ठीक है, तो वो सब एडजस्ट हमको करना पड़ता है। सो वी कैन से दैट द पासबुक इज ए मिरर इमेज ऑफ कैशबुक ओनली, यहाँ पे पूरा गेम खेल गया ना, ओनली इन द सेंस ऑफ क्रेडिट एंट्रीज इन कैशबुक आर रिफ्लेक्टेड एज अ डेबिट एंट्री इन पासबुक। हम तभी बोल सकते हैं जब सारी क्रेडिट एंट्रीज कैशबुक की डेबिट एंट्री से मैच कर रही हैं एंड डेबिट एंट्रीज इन कैशबुक आर रिफ्लेक्टेड एज द क्रेडिट एंट्रीज इन पासबुक। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि उसकी डेबिट और इसकी क्रेडिट, इसकी क्रेडिट उसकी डेबिट, ये दोनों मैच कर रही है, इसकी उसकी मतलब पासबुक और कैशबुक। ठीक है, थोड़ा मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझाना चाह रहा हूँ। एंड दीज एंट्रीज इन द कैशबुक आर रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट एंट्री इन पासबुक विच मीन्स डेबिट एंट्री इन कैशबुक इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट एंट्री क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस इन कैशबुक इज रिफ्लेक्टेड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन पासबुक। इसका क्या मतलब है कि अगर देखो हम जानते हैं कि हमारा कैशबुक का बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है क्योंकि कैश हमारे पास होगी तभी हम किसी को दे पाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बोला, विच मीन्स डेबिट एंट्री इज कैशबुक इज रिफ्लेक्टेड एज क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक। तो ये तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस बराबर होना चाहिए एंड क्रेडिट बैलेंस इज कैशबुक। अब कैशबुक का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, मतलब कि हम कर्जे में, मतलब हमने पैसा लोगों को देना है, लेना नहीं, हमारे पास कैश है नहीं, एज रिफ्लेक्टेड एज ओवरड्राफ्ट इन द पासबुक। ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक हमारे को ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, मतलब कि हमारे पास मान लो बैंक में 10,000 रुपया है। ठीक है, 10,000 रुपये क्रेडिट है बैंक के अंदर, सॉरी 10,000 रुपीज। ठीक है, और ये बैंक के अंदर है और कैश के अंदर हमारे पास भी ये क्रेडिट में है 10,000 और ये बैंक में हम कैश में 10,000 डेबिट होना चाहिए। अब इस डेबिट का मतलब तो है कि कैश हमारे पास है अवेलेबल 10,000 और ये क्रेडिट का मतलब है कि ये बैंक के अंदर 10,000 रुपये हमारा जमा है, यही एंट्री होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं ये लिखूं कि बैंक के अंदर तो हमारा 10,000 रुपया डेबिट है और कैश के अंदर 10,000 रुपया हमारा क्रेडिट है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि बैंक का अकाउंट हमारा डेबिट में चल रहा है, मतलब बैंक ने हमको ऐसी फैसिलिटी दी है कि हम बैंक से ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। मतलब जब हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हमारी गुडविल से या हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बैंक हम ये इंश्योर करता है कि हमको वो एक्स रुपीज लोन पे दे सकता है, तो मतलब लोन वैसे पर्टिकुलर लोन ही है लेकिन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे सकता है। ओवरड्राफ्ट तो अपने बेसिक टर्म है, हमको पता होगा, तो वो दस हमारा अकाउंट डेबिट में जाएगा। ठीक है, अब डेबिट यहाँ तो दिखा रहा है लेकिन बिजनेस अपने लाइबिलिटी कैसे दिखाएगा कि कैसे हम क्रेडिट दिखा रहे हैं कि भाई 10,000 रुपये है तो सही लेकिन वो हमारा नहीं है भाई, वो हमारा क्रेडिट के अंदर है, वो हमारा लेनदार है कोई, और लेनदार कौन है जी? बैंक है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैशबुक इज रिफ्लेक्टेड एज ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए। अब देखो यहां तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि भाई एक हमारी कैशबुक होती है, एक बैंक की पासबुक होती है। ठीक है जी, अब इन दोनों को मैच करने के लिए हम क्या बनाते हैं? BRS। BRS क्या होता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कैशबुक और पासबुक ये दोनों की, जैसे हमने बात कर ली, ये दोनों एक दूसरे का मिरर हो सकती हैं
जब अगर कैश बुक की सारी एंट्रीज डेबिट की और पासबुक की सारी एंट्री क्रेडिट की मैच करें, ठीक है, या कैश बुक की सारी एंट्री क्रेडिट की और पासबुक की सारी एंट्री डेबिट की, या क्या मतलब और बोल सकते हैं कि दोनों ही मैच करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है जी, कुछ ना कुछ ऐसे एरर भी हो सकते हैं, मतलब एरर भी आते हैं। अब वो एरर क्यों आते हैं ये हमको थोड़ा डिस्कस करना है। जैसे कि क्या कारण ऐसे होते हैं कि हमारे कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आता है, ठीक है, ऐसे कुछ तो कारण होंगे। अब देखिए एरर कौन कौन से होते हैं। देयर कैन बी एरर इन बोथ पासबुक एंड कैश बुक व्हाइल रिकॉर्डिंग द एंट्रीज आर बैंकर एंड अकाउंटेंट माइट मेक सम एरर सच एज अंडर कास्टिंग। मतलब ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे एरर हैं जो हमारा अकाउंटेंट कर सकता है, जैसे कि वो कुछ वैल्यू को अंडर कास्ट कर सकता है, मतलब किसी को 500 लिखना था लेकिन उसने 300 ही लिखा, ठीक है, या ओवर कास्ट कर सकते हैं, किसी को 500 लिखना था लेकिन उसने 700 लिख दिया, ओवर कास्ट कर दिया। रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन कैश और डिस्काउंट कॉलम, मतलब किसी को कैश कॉलम में लिखना था लेकिन उसको डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, तो ये कॉमन गलती है, इंसान से हो सकती है, ठीक है। एंड क्रेडिट और डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ सम अदर अकाउंट, मतलब किसी और अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन कर किसी और को दिया, सो ऑन। मतलब ऐसी कुछ क्लरिकल गलती है जो कि जिससे कि हमारा कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ सकते हैं। ड्यू टू दीज एरर द बैंक बैलेंस एंड द कैश बुक बैलेंस मे नॉट टैली। तो ये बता रहा है कि बेसिक गलती क्या क्या हो सकती है, तो वो क्या क्या एरर फेस करने पड़ सकते हैं, ये हो गया एरर की बात। अब बोलते हैं विच एंट्रीज डू नॉट रिक्वायर टू चेंज इन कैश बुक। ये वो एंट्रीज हैं जो कैश बुक के अंदर हमको चेंज नहीं करनी पड़ती। अभी हम इसमें ये देख रहे हैं कि क्या का रीजन हो सकते हैं ये पासबुक और कैश बुक का डिफरेंस आने के। तो हमने सबसे पहले देखा कि एरर एरर हम कर सकते हैं। अब एरर के देखा कि ओवर अंडर कास्ट कर सकते हैं, ओवर कास्ट कर सकते हैं, कोई क्लरिकल मिस्टेक, कोई लिखने में मिस्टेक कर सकते हैं, किसी को 280 लिखना था किसी को 820 लिख दिया, तो ऐसे मिस्टेक कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग एंट्रीज कर सकते हैं, तो मतलब गलत कॉलम में लिख दिया या गलत अकाउंट में क्रेडिट डेबिट कर दिया, तो ये सब गलती कर सकते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि भाई एक तो एरर हो गए कि एरर की वजह से कुछ कैश बुक और पासबुक का बैलेंस नहीं मिलता। अब दूसरे क्या देख सकते हैं कि ये वो एंट्रीज हैं जिसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती पासबुक और कैश बुक के अंदर। जैसे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मतलब हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसको अंदर देखो, ए ट्रेडर इमीडिएटली रिकॉर्ड द पेमेंट्स मेड बाय द चेक और क्रेडिटर और एनी एक्सपेंसिज इन पासबुक ओनली वेन द पेई प्रेजेंट द चेक फॉर द पेमेंट टू द बैंक, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि भाई हमने चेक इशू किया लेकिन सामने वाले ने अभी तक बैंक में लगाया ही नहीं, ठीक है, तो वो प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन हमने क्या किया जी, बैंक को डेबिट कर दिया उसी टाइम, लेकिन बैंक ने हमारा खाता क्रेडिट नहीं किया तब, सॉरी हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया उसी टाइम ही, लेकिन बैंक में एक्चुअली उसने चेक नहीं लगाया तो हमने उसको डेबिट किया नहीं। बैंक को क्रेडिट क्यों करेंगे, क्योंकि बैंक हमारे बिहाफ में पैसा दे रहा है उसको, ठीक है, तो बैंक तो हमको पैसा दे रहा है ना। देखो मोटा मोटा समझने की बात यह है कि आप बैंक को लेकर चलो कि बैंक हमारा खाता क्या करेगा, डेबिट करेगा क्रेडिट करेगा। अगर आप लोगों को कैश का मतलब समझ नहीं आता कि कैश को क्रेडिट क्यों करते हैं डेबिट क्यों करते हैं, तो आप बैंक का लेके चलो भाई, चेक हमने दिया बैंक को तो बैंक हमारे खाते में क्रेडिट कर रहा है, ठीक है, मतलब हमने किसी थर्ड पर्सन से चेक हमको मिला किसी पार्टी से और हमने बैंक को दिया, किस लिए दिया कि बैंक हमारे खाते में क्रेडिट करेगा। तो बैंक अगर हमारा खाता क्रेडिट कर रहा है तो हम अपनी पासबुक को डेबिट करेंगे बैंक के नाम से, ठीक है। लेकिन और इसी के अपोजिट बैंक अगर हमारा खाता डेबिट कर रहा है तो बैंक हमारे बिहाफ में किसी आगे को पेमेंट कर रहा है तो बैंक हमको तो डेबिट करेगा और हम बैंक को क्रेडिट करेंगे इसीलिए। तो वही सिंपल सी फॉर्म चीज है, और अभी आगे इसके क्वेश्चन हम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। देयर इज ऑन द कैश बुक क्रेडिट साइड पेमेंट साइड डेबिट ऑफ फॉर द सम हाउ एवर विल अपियर यूजली ए टाइम लैग बिटवीन द डेट ऑफ इशू ऑफ द चेक ऑफ बाय द ड्रॉवर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन बाय द पे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि भाई हमने तो चेक दे दिया लेकिन उसने बैंक में लगाया नहीं, तो इससे क्या हो सकता है कि डेट इशू, डेट डिफर हो सकती है, ठीक है। तो मतलब बेसिक सी बात यही है कि इन एंट्री को छेड़ना नहीं है, मतलब इन एंट्री को जो है वैसे वैसे रखना है, इसकी एडजस्टमेंट हम आगे हमारे जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट बनाएंगे उसमें से डायरेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ठीक है, मतलब हमने चेक को डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर लेकिन वो भी क्लियरिंग में ही फंसा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे अभी तक जमा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दे रखा है, इन ए बिजनेस मेजोरिटी ऑफ रिसिप्ट विल बी बाय चेक, ठीक है, तो वो तो हम जानते हैं। द कस्टमर विल इशू चेक बाय द बैंक सो ऑन द ट्रेडर मे हैव बिजनेस अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मान लो कि एक बिजनेसमैन है जिसका खाता एसबीआई में है,
एज एंड द ट्रेडर ऑफ द बैंक वेयर दे हैव एन अकाउंट से देना विद यस बैंक और सेंट्रल बैंक, मतलब किसी का बंदे का दूसरे बैंक में खाता है. व्हेन द चेक इज रिसीव्ड ही विल डिपॉजिट दिस इन द बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट में जमा करेगा एंड एंट्री विल इमीडिएटली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, वो उसी टाइम इमीडिएटली कैश बुक को अपनी एंट्री कर देगा. ठीक है, लेकिन इस यही बात मैं आपको बता रहा था कि लेकिन बैंक तो उसी टाइम क्रेडिट नहीं कर सकता ना, बैंक तो पहले क्लियरिंग हाउस के पास जाएगा क्योंकि उसका खाता एसबीआई में है और जो जिसने चेक दिया उसका खाता किस में है, मान लो देना बैंक में है. ठीक है, अब तीनों का एग्जाम्पल दे रखा है, मान लो देना बैंक में. ठीक है, अब यही हुआ ना इसके साथ. अब वो देना बैंक और एसबीआई एक बैंक तो नहीं है, तो देना बैंक वाला क्लियरिंग में डालेगा कि क्लियरिंग से आते आते उसको 2 दिन लग जाएंगे, तो इसीलिए उसका खाता जब तक कलेक्ट नहीं होगा तब तक बैंक उसका जमा नहीं करेगा. ठीक है, तो ये पूरा वो एग्जाम्पल है. अब देखते हैं, ये हो गया एरर कि मतलब क्या क्या रीजन हो सकते हैं. एक तो एरर हो सकता है रीजन, दूसरा ये रीजन हो सकते हैं लेकिन इनका कुछ अपन को चेंजेस नहीं करना कैश बुक अंदर, मतलब ये वो रीजन है जिसका चेकबुक कैश बुक अंदर कुछ चेंजेस नहीं आएंगे. ठीक है, तो इसको हम आगे दें. अब ये वो रीजन है जिससे हम कैश बुक अंदर हमको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, जैसे एंट्रीज विच रिक्वायर चेंजेस इन कैश बुक, ये वो एंट्रीज है जिससे कैश बुक के ऊपर प्रभाव पड़ेगा. मतलब कैसे, ये हम कंपेयर कर रहे हैं चेकबुक को और पासबुक को. ठीक है, ये वो एंट्रियां थी जिससे हमारी चेकबुक और कैशबुक का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्योंकि चेक अगर उसने नहीं भी प्रेजेंट किया तो भी हम उसको मैनेज कर लेंगे. लेकिन ये इतनी चीजें हैं जिससे हमको हमारे चेकबुक पर चेंजेस करने पड़ेंगे. अब वो आप देखते हैं क्या. देखो, बैंक चार्जेस, अब मान लो बैंक ने कुछ चार्जेस काटे, हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमने पासबुक में चेक किया लेकिन हमने हमारी कैशबुक में तो चार्जेस डेबिट करे ही नहीं थे, तो हमको वो करने पड़ेंगे क्योंकि हमको पासबुक चेकबुक और पासबुक का बैलेंस मैच करना है. मैच करने के लिए बैंक चार्जेस काटे हैं, अब तो उसको हमको हमारी कैशबुक में भी दिखाना पड़ेगा, तो हमको चेंजेस करने पड़ेंगे. ये पहला पॉइंट. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक, अब बैंक ने हमारे खाते में जितना भी बैलेंस था उसके लिए इंटरेस्ट हमको पे किया लेकिन हमने उसको कैशबुक में तो क्रेडिट किया ही नहीं. ठीक है, तो वो भी हमको इसमें दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको चेंजेस करने पड़ेंगे. किसके अंदर, कैशबुक के अंदर लिखा ना. इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ने हमको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी थी, अब उसके ऊपर बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, मतलब हमारे खाते से डेबिट कर दिया. अब अगर बैंक ने हमारे खाते से डेबिट किया, बैंक के पास होते, तो हमको हमारी बुक से अंदर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा. ठीक है, तो ये हुआ. उसके बाद अमाउंट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, अब एज ए फर्म हमने बहुत से उसको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखे थे, जैसे कि वो फर्म का हमारे गोडाउन का इंश्योरेंस प्रीमियम था तो वो उसको मंथली डिडक्ट कर ले हमारे खाते से. ठीक है, या अदर कुछ भी हमारे इंप्लॉयज की सैलरी है वो भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे थी तो वो भी हो, या रेंट हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे दिया था, मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो बैंक ने तो काट लिया लेकिन हम हमारी बुक से उसको हमने हटाया ही नहीं, मतलब डिडक्ट नहीं किया, तो वो भी हमको हमारी कैश बुक में चेंजेस करने पड़ेंगे. अमाउंट पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये अमाउंट हमारे बिहाफ में कलेक्ट करी और ये हमारे बिहाफ में पे की. ठीक है, कलेक्शन कैसे करी, जैसे हमारे 10 वेंडर थे, अब उनसे हमारे को कलेक्शन डाला हुआ था कि भाई ये मंथली इनसे हमको पैसा आ जाना चाहिए, तो वो कलेक्शन हो गया और ये पे हो गया. डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक मेड बाय ट्रेडर्स कस्टमर, ठीक है, अब ये कोई कस्टमर था जिसने डायरेक्ट हमारे बैंक में पेमेंट कर दी लेकिन हमको इन्फॉर्म नहीं करा. ठीक है, अब बैंक ने तो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया लेकिन हमने हमारे बुक्स के अंदर कुछ एंट्रीज करी नहीं थी. ठीक है, तो ये पासबुक देखकर हमको पता चलेगा कि भाई उसने तो जमा कर दिया, तो हम हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे कि बैंक ने हमारे हमारे कस्टमर से डायरेक्ट पैसा ले लिया, तो हम उसको बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे. और डिसनर ऑफ चेक, कि हमने कोई चेक लगाया लेकिन उसका पैसा हमको क्लियर नहीं हुआ लेकिन हमने क्या किया, बैंक को डेबिट कर दिया उसी टाइम ही. ठीक है, अब बैंक, हम तो ये सोच के बैठे थे कि हमारे बैलेंस में क्रेडिट हो गया होगा, मतलब बैंक ने हमारे क्रेडिट कर दिया लेकिन वो चेक तो बाउंस हो गया, तो बाउंस का मतलब डिसऑनर हो गया, तो हम उसको वापस से बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि बैंक को हमने डेबिट कर दिया था. हमारी कैश बुक के अंदर जब हमसे चेक गया तो हमने बोला कि भाई बैंक को हमने पैसा दिए तो बैंक को अकाउंट डेबिट किया था, लेकिन जब चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे वापस. ठीक है, तो ये सब एंट्रीज है जिससे हमको का कैश बुक को इफेक्ट होता है, तो ये सब हमको ध्यान में रखना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद ये हो गया. अब देखेंगे हम अंडरस्टैंडिंग रिकंसिलिएशन,
कि रिकंसिलिएशन क्या होता है, पूरा जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले तो हमने ये देख लिया, वापिस देख लेते हमने कि कैश बुक इंट्रोडक्शन क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या है, क्यों बनाते हैं। देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको हर टाइम पता होना चाहिए कि हमारे बैंक के अंदर कितना बैलेंस है, ठीक है। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। क्योंकि हमको जब पता ही नहीं होगा कि हम कितना बैलेंस लेके बैठे हैं, तो हम कैसे उसको नेक्स्ट चेक को हम इशू कर सकते हैं या हम कैसे पैसा रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस की बहुत सी जानकारी, मतलब बिजनेस के चलाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है। तो उसके लिए हमको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के द्वारा हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे कैश बुक और चेक बुक, कैश बुक और पासबुक दोनों रिकंसाइल होने चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमको जरूरी है। अब कैसे इसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हमने देखा कि कैश बुक के अंदर जो भी एंट्री हम डेबिट में डाल रहे हैं, मान लो कि हमने पैसा पे कर दिया बैंक को, ठीक है, तो बैंक कैश से पैसा हमने बिजनेस से कैश निकाल के बैंक में डाल दिया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और उसकी ट्रांजेक्शन हमने यहाँ देख ली कैसे ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि यह प्रिंसिपल देख लिया कि बैंक अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं, उसको क्रेडिट क्यों करते हैं। उसके बाद ट्रांजेक्शन कंटेंट इन पासबुक एंड चेकबुक, और ये देखते हैं कि भाई ये बैंक हमारे बिजनेस के कैसे क्रेडिट करते हैं और हमने कैश बुक में कैसे डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लिया कि क्या ये रियल सच में मिरर इमेज है या वैसी, मतलब मिरर इमेज नहीं है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि भाई अगर सारी एंट्री सेम पीरियड में है और सारी एंट्री एक दूसरे के क्रेडिट और डेबिट दिखा रहा है तो वो मिरर इमेज है, और अगर उसकी कुछ ये शर्त है, जैसे हमने चेक इशू किया लेकिन जमा नहीं हुआ, लेकिन चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया लेकिन क्लियरिंग में अभी जमा नहीं हुआ, तो वो एक तरह की मिरर इमेज हम नहीं बोल सकते। उसके बाद पासबुक और चेकबुक का डिफरेंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो एरर हो सकते हैं, ये ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग करना, ये एरर की वजह से उनका चेंजेस डिफरेंस आना लाजमी है। उसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, ये कारण नंबर दो है, एंट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर टू चेंज, मतलब ये चेंज तो नहीं हो करनी हमको कैश बुक में, लेकिन ये कारण, इस कारण से हमारा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है। तो चेक इशू कर दिया लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ, और दूसरा चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन क्लियर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये दो कारण हो गए। उसके बाद ये सारे कारण हो सकते हैं कि बैंक चार्जेस काट लिया, बैंक ने इंटरेस्ट पे कर दिया हमको, या बैंक ने ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट काट लिया हमसे। उसके बाद कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे कलेक्शन कर लिया बैंक ने, या कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन से पैसा पे कर दिया किसी को, या फिर डायरेक्ट पेमेंट बैंक में आ गई हमारे ट्रेडर्स के द्वारा, या फिर चेक डिसऑनर हो गया। तो ये सभी कारण हैं कि हमारा चेकबुक का और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं करता, ठीक है। इन सब कारण को हम सुधार लेंगे तो हमारा कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर जाएगा, ठीक है। बस यही है पूरा चैप्टर, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम समझेंगे भाई रिकंसिलिएशन क्या होता है। ये सब रिकंसिलिएशन ही था जो हमने पूरा देखा। अब हम इसका फॉर्मेट समझेंगे कि भाई ये तो हमने थ्योरी पढ़ ली, ये हमने सब थ्योरी में देख लिया कि भाई ये सब एरर है, इनको सुधार लेंगे, और ये सब चेक अगर हमने दिया लेकिन जमा नहीं हुआ, या चेक हमको मिला लेकिन वो क्लियरिंग में फंसा, तो ये सब, ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण क्या है कि इंटरेस्ट बैंक ने जमा कर दिया या हमसे ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन हमने कैशबुक में नहीं दिखाई। तो ये सब चीजें हम अगर हम सुलझा लेंगे तो हमारा दोनों का बैलेंस मैच कर देगा, बस, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। देखो बैंक स्टेटमेंट इज रिसीव्ड पीरियोडिकली, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट को किसी भी एक पीरियड के टाइम पे मिलती है, से एवरी मंथ, ठीक है, तो एवरी मंथ मिलेगी। वी चेक इट फॉर क्लेरिकल एरर, कोई क्लेरिकल एरर तो नहीं है, जो ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग, जब अमाउंट गलत लिख दी या किसी का अकाउंट का गलत डेबिट क्रेडिट कर दिया, वो एरर तो नहीं है। इफ वी ऑब्टेन ए रिवाइज स्टेटमेंट कंटेनिंग नो एरर, अगर हम कोई एरर था हमने उसको सुलझा लिया और हमको पता चलेगा नो एरर है, तो उसके बाद द बैलेंस इज द स्टेटमेंट गिव अस द फर्म स्टार्टिंग पॉइंट प्रोसीड फॉर। उसके बाद हम क्या प्रोसेस करते हैं, फाइंडिंग आउट एंट्रीज विच डू नॉट रिक्वायर टू चेंज इन कैश बुक, दीज एंट्रीज आर प्रेजेंट इन द कैश बुक बट नॉट प्रेजेंट इन बैलेंस बैंक स्टेटमेंट, दीज एंट्री गिव अस एडजस्टेड बैंक बैलेंस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि वो एंट्री ढूंढो जो चेंजेस, जिसकी वजह से हमको चेकबुक कैश बुक के अंदर कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक है, और मतलब ये एंट्री हमको कैश बुक के अंदर तो है लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो वो एंट्रीज हमको क्या देती है, एडजस्टेड बैंक बैलेंस दे देती है, ठीक है, समझेंगे आगे चल के। ये अभी आप थोड़ा थ्योरी में देख लो, फाइंडिंग आउट क्लेरिकल मिस्टेक इन आर कैश बुक एंड रेक्टिफाइड, ठीक है। तो हमने उसके बाद हमको
कोई क्लरिकल मिस्टेक अगर है तो उसको रेक्टिफाई करना है। उसके बाद फाइंडिंग आउट एंट्रीज विच रिक्वायर्स चेंजेस इन कैश बुक, दीज एंट्रीज आर प्रेजेंट इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट इन कैश बुक। ठीक है, फिर ऐसी ऐसी एंट्री ढूंढो जो कि जिसे कैश बुक में चेंजेस करने हैं, जैसे वो सब पीछे रीजन दिए मैंने, उसको बैंक स्टेटमेंट, मतलब वो एंट्री वो हो सकती है जो बैंक स्टेटमेंट में मिली हमको लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो वो एंट्रीज को हम कैश बुक में सुलझाएंगे। उसके बाद बेस्ड ऑन दी थ्री स्टेप्स वी आर प्रिपेयर ए स्टेटमेंट कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सब के बाद हम सुलझा, ये तीनों काम करने के बाद ही हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि भाई ऐसी कौन कौन सी एंट्रीज हैं जो कि हमारे कैश बुक में चेंजेस नहीं करना, ठीक है, मतलब कुछ क्लरिकल एरर उसको सुलझा लेना, ठीक है। उसके बाद उसको क्रेडिट और मतलब प्लस माइनस करके हम उसको सुलझा लेंगे। उसके बाद हमको आएगा एडजस्टेड बैंक बैलेंस। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, हम आगे फॉर्मेट देखेंगे, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। मेरा काम है यहाँ पे आपको एकदम पूरा अच्छे समझाना, मतलब मैं ये नहीं मान रहा कि आपको जीएबी के अंदर सिर्फ 50 नंबर ला के काम निकालना है। मेरा मतलब मेरा मोटो है कि आपको एकदम अच्छे से उस टॉपिक को अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट इज पर्टिनेंट टू नोट द स्टेप वन गिव अस एडजस्टेड बैंक बैलेंस विच इज नॉमिनल फिगर एंड नोट द एक्चुअल बैलेंस इन द अकाउंट विद द बैंक व्हाइल स्टेप टू और थ्री रिजल्ट्स इन एक्चुअली चेंजिंग द बैलेंस इन कैश बुक बाय करेक्शन ऑफ एरर पोस्टिंग द मिसिंग एंट्रीज द कैश बुक बैलेंस शुड बी इक्वल टू द एडजस्टेड बैंक बैलेंस इन अराइव्ड वन दिस इज बैलेंस विच गोज द ट्रायल बैलेंस। कुछ नहीं बोल रहा वो, ये बोल रहा कि भाई हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो जो पहला वाला ये यूज करेंगे ना, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ, ये हम यूज करेंगे बैंक स्टेटमेंट के टाइप ये, ठीक है। उसके बाद जो नीचे के दो हैं ये हम कैश स्टेटमेंट को सुधारने के टाइम करेंगे, और इसका टोटल और इसका टोटल बराबर होना चाहिए। छोड़ो ये बात, यहाँ पे देखो आप, देखो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम लेंगे बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग बैलेंस, जो हमारे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहे हैं मंथ के एंड में, वो यहाँ पे लेंगे। पहले ये जो फॉर्मेट है वो फिक्स रहेगा, ये फॉर्मेट चेंज नहीं होगा, उसी के अनुसार हमको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम वो चेक को ऐड कर देंगे जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया लेकिन अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ, जैसे कि कोई भी हमारे डेटर ने हमको कोई चेक दिया, ठीक है, और वो चेक हमने बैंक में जमा कराया लेकिन उसको प्रोसेस होने में 2 से 3 दिन लग गया, और तब जब हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं तब तक वो चेक हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ, तो उस चेक को हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का करेंगे, इसका उल्टा, वाई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक स्टेट बैंक पेमेंट, मतलब हमने किसी को चेक दिया कि बैंक को पेमेंट करने के लिए लेकिन अभी तक बैंक ने वो हमारे अकाउंट में डेबिट नहीं किया, तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब ये जो आएगा ना, मतलब ये प्लस ये माइनस ये, ठीक है, ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बैंक का एडजस्टेड बैलेंस होगा, क्यों ये हम क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि हमको हमारी कैश बुक के अनुसार चलना है। देखो कैश बुक के अंदर हमने क्या किया होगा, जब हमारा जो बैलेंस होगा वो एक्सपायर्ड जो भी बैलेंस है वो तो हम यहाँ से ले लेंगे, बाकी ऐड करेंगे चेक डिपॉजिट, क्योंकि हमने हमारी कैश बुक के अंदर ये चेक को पहले से ही ऐड कर दिया था, क्योंकि जैसे ही हमने बैंक को चेक भेजा कि हमारे अकाउंट में जमा करो, हमने उसी दिन ही हमारा कैश बुक के अंदर ही एंट्री कर दी, लेकिन अभी तक वो हमारे अकाउंट में डेबिट नहीं, मतलब जमा नहीं हुआ, तो भी लेकिन हम यही मान के चलेंगे कि ये हमारे अकाउंट में जमा होगा, तो हमको बैंक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर करने के लिए ये एक एडजस्टेड बैलेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये होगा बैंक साइड के अंदर, मतलब इतनी एंट्रीज होंगी ये सब हमारी बैंक स्टेटमेंट के अंदर होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैश स्टेटमेंट के अंदर हमको क्या करना होगा, कैश साइड क्या करना होगा। देखो ये हो गया, ये हमारा ए जो आएगा ये आएगा हमारा एडजस्टेड बैंक बैलेंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हम लेंगे कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, सेम मंथ के अंदर कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट कर देंगे क्लरिकल एरर्स, जो भी क्लरिकल एरर्स हमने निकाले होंगे, जैसे क्लरिकल एरर्स जैसे हमने पहले भी पीछे डिस्कस किया, जैसे कि हमने कुछ अमाउंट को अंडरकास्ट कर दिया या ओवरकास्ट कर दिया, ठीक है, या फिर किसी और का अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर दिया हमने, या अमाउंट को गलत लिख दिया, मान लो 480 लिखना था लेकिन उसको 840 लिख दिया, जो ऐसे सब चीजें होती ना ये क्लरिकल एरर के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये क्लरिकल एरर को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी उस टाइम बैलेंस निकलेगा उस हिसाब से हम कर देंगे। उसके बाद देखो, उसके बाद क्रेडिट एंट्री शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। अब हम क्या किया कि हमने एक महीने के एंड में जब भी हम बैंक का स्टेटमेंट लेके आते हैं, अब उसमें हम पाते हैं कि बैंक ने हमारे हमारे खाते में कुछ चीजें क्रेडिट कर रखी हैं,
जैसे इंटरेस्ट हमको बैंक देता है मंथली या क्वार्टरली जो भी, तो वो इंटरेस्ट हमने क्रेडिट कर रखा है, लेकिन वो सेम एंट्री हमने अपने कैशबुक में तो नहीं करी थी, तो वो हमको कैशबुक में एंट्री ना करके हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में डायरेक्ट एंट्री कर देंगे, ठीक है। तो वो देखेंगे कि भाई ये जो क्रेडिट एंट्रीज हैं, जैसे इंटरेस्ट है या कोई सीधा ट्रेडर ने हमारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, हमारे जो भी हमारा डेटर होगा तो उसके पैसे, तो वो सब एंट्रीज को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। उसके बाद माइनस क्या करेंगे, डेबिट एंट्री शोज इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग कैश बुक। अब कुछ डेबिट एंट्रीज भी हो सकती हैं जो कि हमको बैंक स्टेटमेंट मिली तब हमने देखा कि बैंक ने हमारे कुछ पैसा डेबिट भी कर रखा है, वो क्या हो सकता है, जैसे कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमने बैंक को दिए थे तो उसका पैसा पे कर दिया बैंक ने हमारे बिहाफ पे, जैसे क्या क्या हो सकता है वो, जैसे कि हमने हमारी फर्म का या गोडाउन का इंश्योरेंस ले रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी को डायरेक्ट पेमेंट कर दिया हमारे मैंडेट से। उसके बाद कुछ बैंक चार्जेस हो सकते हैं, बैंक चार्जेस जो बैंक हमसे टाइमली डिडक्ट करता है, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे सब बहुत सी चीजें हैं जो कि बैंक ने हमसे डेबिट कर लिया लेकिन हमने हमारी कैश बुक को इससे कुछ इफेक्ट नहीं किया था। तो हमको अगर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस बराबर लाना है तो हमको ये सब माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये सब माइनस करने के बाद जो हमारे पास आएगा बी, और हमको यही इंश्योर करना है कि ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक है। और ये अगर हो गया तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बैंक का बैलेंस इज इक्वल टू कैश का बैलेंस, ठीक है। तो बस पूरा चैप्टर यही है, सिंपल चीजें हैं, यही लेकर चलना है, कुछ इसमें खास रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हम पहले कर रहे थे यहाँ पे हमने सब थ्योरी कंप्लीट करी है कि भाई ये इस चैप्टर की थ्योरी है कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हमको एरर निकालने हैं, कोई क्लरिकल एरर तो नहीं है। उसके बाद ये देखना है कि कोई ऐसा चेक जो हमने डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक जमा नहीं हुआ, ये ऐसा चेक जो हमने इशू किया लेकिन अभी तक डेबिट नहीं हुआ हमारे खाते से, ठीक है। तो ये सब पकड़ना है, और ये सब इंश्योर करने के बाद हमारा क्या आएगा, सिर्फ बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्लरिकल एरर निकाल तो लिया हमने, लेकिन ये क्लरिकल एरर बैंक स्टेटमेंट से वैनिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो बैंक जो है ना, बैंक पूरा कंप्यूटराइज्ड है, बैंक के चार्जेस भी सही रहेंगे, बैंक का सिस्टम पूरा कैलकुलेट करता है, लेकिन हमारी फर्म में क्या है, अकाउंटेंट है जो कि इंसान है। अब अकाउंटेंट से गलती हो सकती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 99% केसेस में बैंक से गलती नहीं होती। तो हम ये जो क्लरिकल एरर नहीं हमारे एंड से ही होंगे, तो हम इसको कैशबुक में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो और बाकी जो हम बैंक की स्टेटमेंट देख के एडजस्टमेंट करेंगे, जैसे बैंक की स्टेटमेंट हमको मिली, हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जो क्रेडिट में है लेकिन हमने हमारी कैशबुक में दिखाई नहीं, तो हम उसको प्लस कर देंगे, और कुछ एंट्री डेबिट में है और उसको हमने कैशबुक में नहीं डाला तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, कैशबुक का एडजस्टेड बैलेंस, और कैशबुक एडजस्टेड बैलेंस हम निकाल देंगे ए और बी का टोटल, ठीक है, और वो हमेशा इक्वल आएगा, ठीक है। अब कुछ नोट करने वाली बातें इसके अंदर, जैसे द बैलेंस और रिकनसाइल्ड इफ ए और बी इज इक्वल, ये जो हमने भी बात करी। उसके बाद द क्लरिकल एरर आर टू बी एडेड इफ द नेट इम्पैक्ट इज इंक्रीज इन डेबिट एंड वाइस वर्सा। अब क्या बोल रहे हैं, क्लरिकल एरर तो अपना निकाल लिया है लेकिन उसको प्लस करना है कि माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये ऐसे पता चलेगा। देखो जैसे हमारा क्या होता है, कैशबुक, ये कैशबुक बनाते हैं वैसे, ठीक है, ये कैशबुक है। अब कैशबुक में क्या है, जैसे पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। अब यहाँ पे हम क्या लिखते रहते हैं, जैसे मान लो हमने राम को पे किया तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे कैशबुक में क्या करेंगे, बाय राम कर देंगे, बाय राम, ठीक है, मान लो एक्स रुपया कुछ भी है, ठीक है। और ऐसे ही हमको कैश आया तो टू श्याम, जैसे श्याम से पैसा आया तो यहाँ पे भी एक्स, ऐसे जो भी अमाउंट आ रही है। अब इसका क्या होता है जी, ये अगर जो हम डेबिट साइड में लिख रहे हैं और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का बैलेंस है तो कैशबुक हमारी प्लस में है, ठीक है, इतना तो हम जानती हैं। अब कैशबुक का बैलेंस जितना डेबिट में, जैसे अब क्लरिकल एरर में ये हुआ कि हमको इफेक्ट उससे पड़ रहा है कि हमारी कैशबुक से क्रेडिट हो रही है, कैशबुक क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे अगर क्रेडिट हो रही जा रही है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा डेबिट बैलेंस कम होता जा रहा है। जैसे कि हम मंथ के एंड में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे तीन चार एंट्रीज ऐसे हैं, यहाँ भी तीन चार एंट्रीज हैं, अब इनका टोटल मान लो 7,000 रुपये आता है, इसका टोटल मान लो 5,000 रुपये आता है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका जो इसका कैश का बैलेंस आएगा तो बाय बैलेंस सीडी हम करेंगे जो, वो 2,000 रुपये आ जाएगा। तो ही तो ये 7,000 और 7,000 हमने क्लोज करी अकाउंट को, लेकिन जब हम क्लरिकल एरर पकड़ते हैं तब वहाँ पे पाते हैं कि 200 रुपये ऐसा था जो कि हमने पे कर दिया था लेकिन हमने लिखा ही नहीं उसको,
ठीक है, तो 200 रुपये यहाँ पे और लिख देंगे। मान लो जैसे हमने सुंदर को 200 रुपये पे किया, लेकिन हमने हमारे बुक्स के अंदर लिखा ही नहीं, कैश बुक के अंदर, तो सुंदर के नाम से यहाँ पे 200 रुपये लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर 200 लिखा तो यहाँ पे जो हमने 2000 निकाला वो 2000 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि नेट इम्पैक्ट हमारा 200 रुपये कम हो गया कैश का बैलेंस। अब कैश का बैलेंस 200 रुपये कम हो रहा है यहाँ पे, तो हम उसको मतलब ये हमने कब पाया, जब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे थे। अब 200 रुपये कम हो गए तो हमारा क्या हुआ, कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया। तब इस सिचुएशन के अंदर हम करेंगे उसको माइनस, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है कि क्लरिकल एरर आर एडेड इफ द नेट इम्पैक्ट इज इंक्रीज इन डेबिट। उसको ऐड कर देंगे, अगर नेट इम्पैक्ट इंक्रीज कर रहा डेबिट को और वाइस वर्सा, और अगर उसको डिक्रीज कर रहा तो उसको माइनस कर देंगे। इट इज इन ए कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ क्लरिकल एरर इज वेरी लो। तो अब बोल रहे हैं कि आज के युग में बोले कंप्यूटराइज हो गया तो क्लरिकल एरर होने के चांसेस बहुत कम हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ओवरड्राफ्ट। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, अब थोड़ा और बताता हूँ। एंड द बैलेंस शुड बी ट्रीटेड एज नेगेटिव फिगर। अब कई बार क्या होता है कि बैंक के अंदर, हाँ देखो, हम अगर पैसा जमा करा रहे हैं तो बैंक का अकाउंट हमारा क्रेडिट में रहेगा, लेकिन हम बैंक से, कुछ बैंक ऐसे हैं जो ओवरड्राफ्ट की सुविधा देते हैं, उसमें हमारा बैलेंस क्या दिखाएगा, डेबिट, ठीक है। अब डेबिट बैलेंस की सुविधा, तो डेबिट बैलेंस है तो जब हम बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम जब बैंक स्टेटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे हम उसको माइनस लिखेंगे, माइनस के आगे अमाउंट लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपना एक कैलकुलेशन सही बिठा रहे, मतलब हम यहाँ पे अगर प्लस बैलेंस लिखेंगे तो हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। तो वही बात बोल रहा है कि यहाँ पे उसको माइनस ट्रीट करना है, नेगेटिव फिगर ट्रीट करना है फॉर अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक शुड बी ट्रीटेड एज नेगेटिव बैलेंस। अब बैलेंस कैश बुक का बैलेंस नेगेटिव होगा तो हम उस, मतलब कैश हमारे पास है तो हमारा कैश बुक का बैलेंस डेबिट होना चाहिए ना, अगर वो क्रेडिट में है तो नेगेटिव बैलेंस है तो उसको भी माइनस में ट्रीट करना है, ठीक है। इन एडिशन टू नेगेटिव फिगर रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ द नेगेटिव फिगर टिल बिकम जीरो आफ्टर विच एन एडिशन इंक्रीजिंग फिगर। तो वही बोल रहा है कि अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव हम जोड़ेंगे तो वो टोटल नेगेटिव ही जुड़ेगा ना, तो वो बोल रहा है कि इसको तब तक हम, मतलब अगर यहाँ 5000 रुपये नेगेटिव है और यहाँ अगर 5000 प्लस है तो वो तब जाके वो जिसको जीरो काउंट करेंगे, तो वही बोल रहा है कि नेगेटिव वैल्यू टिल बिकम जीरो, तब जीरो होगा आफ्टर विच एडिशन इंक्रीज द फिगर। और अगर मान लो फिर यहाँ पे 7000 प्लस की एंट्री होगी तो हम टोटल तो 7000 ही हुआ ना, क्योंकि जीरो के प्लस 7000 प्लस 7000 ही, तो वही मतलब बोल रहा है, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, मतलब मोटा मोटा यही है कि अगर ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है तो उसको नेगेटिव मान के चलना है, प्लस अगर कैश बुक का बैलेंस भी क्रेडिट में तो उसको भी नेगेटिव मान के चलना है, ठीक है। बस उसके बाद ये बोल रहा है कि अगर क्लरिकल एरर की एंट्री ज्यादा है तो एक रफ वर्कशीट बना लेनी चाहिए पहले से, जिससे हमको पता चल जाएगा कि भाई हमको कितना पैसा क्रेडिट करना है या डेबिट करना है, ठीक है। ए रफ वर्कशीट मे बी हैव टू प्रिपेयर फॉर ईच एडजस्टमेंट इन द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इफ द नंबर ऑफ एंट्रीज इज मोर देन वन, ठीक है। तो वो कुछ नहीं, एक ऐसे ध्यान रखने की बात है कि भाई रफ वर्कशीट बना लो आपकी सहूलियत के लिए। देखना है कि रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, वही बात है जो भी हमने इतनी बार वो घुमा घुमा के बात कर चुके, लेकिन वही बात यहाँ पे फिर दोहरा लेंगे। ए ट्रेडर इमीडिएटली रिकॉर्ड्स द डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन द कैश बुक, कि जो ट्रेडर है वो जब बैंक में चेक दिया या बैंक से पैसा लिया, हम वो इमीडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, लेकिन द बैंक हाउएवर रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन ऑन द डेट ऑफ क्लियरिंग ऑफ द चेक एंड ऑन द डेट्स व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ठीक है। तो वही है कि मतलब हम तो सेम डे लिख देते हैं चेक को, लेकिन जब बैंक में पैसा क्लियर हो गया आएगा तब हमारे बुक में क्रेडिट होगा बैंक के अकाउंट में, और या अगर हम जब हमने किसी को चेक दिया, अब वो भाई साहब ने 10 दिन तक तो बैंक में चेक ही नहीं लगाया तो क्या होगा, तो तब तक 10 दिन तक हमारा डेबिट नहीं होगा, ठीक है। दूस द डेट ऑफ एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द पासबुक में डिफर एंड बैलेंस शोन इन द कैश बुक एंड पासबुक में नो टैली। तो वही है कि तो इसी वजह से हमारा पासबुक और कैश बुक का बैलेंस टैली नहीं करेगा, ठीक है। और ये वो एग्जाम्पल दिया हुआ, लेटर सपोज 80000 रुपये जमा करें, तो ये दोबारा से मैं दोहराऊंगा नहीं, तो इसीलिए हमको मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, और इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये हो गया, अब हम सबसे पहले इसका देखेंगे एग्जाम्पल। भाई हमने जो भी अभी तक पढ़ा है ना, आपको सब यहाँ पे क्लियर होगा, क्योंकि इससे आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या क्लरिकल एरर आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फिर चेक का कैसे, मतलब पूरे थ्योरी जितनी भी पढ़ी है वो अभी एग्जाम्पल देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं, द कैश बुक ऑफ मिस्टर जी शोज
8,364 रुपये बैलेंस इन द बैंक, ठीक है, ऑन 31 दिसंबर 2022, बट यू फाइंड दिस डज नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर द बैंक पासबुक विच शोज ए बैलेंस ऑफ 15,534 रुपये। ऑन स्क्रूटनी यू विल फाइंड द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज। अब वो बोल रहे हैं कि भाई कैश बुक के अंदर मिस्टर जी ने लिख रहेगा कि मेरे पास 8,364 रुपये बैलेंस है, लेकिन बैंक के अंदर उसका बैलेंस, बैंक बोल रहा है कि मेरे पास 534 रुपये आपका 15,534 रुपये क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, और सॉरी डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस पड़ा है। अब हमको कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं, अब इस डिस्क्रिपेंसीज पे ही काम करना हमको, ठीक है। तो अब हम ये सब पढ़ने के पहले हम यही देख लेते हैं कि हमको सबसे पहले क्या एक रफ वर्कशीट बनानी है। तो यहाँ पे रफ वर्कशीट बनाने, करेक्शन ऑफ कैश बुक फॉर एरर्स, ठीक है। अब इसके अंदर वही एरर रोकने तो कैश बुक में करेक्शन की जरूरत है, बाकी बैलेंस शीट बैंक बुक में तो हम कुछ एरर सुलझा नहीं सकते ना, क्योंकि बैंक का तो मान के चलते बैंक तो हमेशा सही कर रहा है। ऑन दिसंबर 1 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। अब 100 रुपये उसने अंडरकास्ट कर दिए थे कैश बुक के अंदर। यहाँ पे बात करते हैं, जैसे तो 100 रुपये हमने पेमेंट कर दी थी, पेमेंट कर दी मतलब मान लो 1,000 रुपये की, लेकिन उसने 900 रुपये लिखा। अब 900 रुपये लिखा लेकिन लिखना तो 1,000, तो हमने 100 रुपये कम लिखा, ठीक है। तो 100 रुपये को हमने क्रेडिट कम किया। अब मान लो कैश अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, अब कुछ भी किसी भी वजह से कैश दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने परचेज किया था 1,000 का, लेकिन लिखा था हमने 900 रुपये, ठीक है, तो 900 रुपये ही हमने उसको डेबिट किया, लेकिन हमको सॉरी क्रेडिट किया, और वो क्रेडिट कितना करना था 1,000, तो हमको 100 रुपये और क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैश बुक के अंदर 100 रुपया यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, अंडरकास्ट द पेमेंट साइड 100 रुपीज, ठीक है। तो ये पहली एंट्री हम क्लरिकल एरर को ऐसे सुधारेंगे कि हमको कैश बुक को 100 रुपये से क्रेडिट करना है। तो पहला समझ आया कि इन 1 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 100 रुपये। अब 100 रुपये उसने अंडरकास्ट कर रखा था, तो हम कैश बुक को और क्रेडिट कर देंगे कि भाई 100 रुपये हमने और एडजस्ट कर दिया उसका। अब नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 131 रुपीज इशूड ऑन 25 दिसंबर वॉज नॉट टेकन इन बैंक कॉलम। हमने एक चेक इशू किया था 131 रुपये का, बट वो बैंक कॉलम को हमने लिखना ही रह गया। अब इसको हम लिख देंगे, अब इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमको 131 रुपये का चेक दिया था 131, अब इससे क्या हमारा कैश जा रहा है, तो हमको मान लो अनिल को चेक दिया था, अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश 131 रुपये, अब लिखना ही रह गया, तो हमको उसको लिख देंगे तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो यहाँ पे कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 131 रुपीज, ठीक है। वन डिपॉजिट ऑफ 150 रुपीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम दे रही। अब 150 रुपया था वो हमने रिकॉर्ड कर दिया था कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसको बैंक कॉलम में था ही नहीं, वो मतलब बैंक की स्टेटमेंट देखी तो उसमें नहीं था, तब हम क्या करेंगे, तो उसको हम डेबिट कर देंगे दोबारा से, क्योंकि डिपॉजिट एंट्री शोन इन कैश कॉलम, अब कैश कॉलम में दिखा दिया था लेकिन उसको दिखाना था बैंक कॉलम में, तो 150 रुपये उसको डेबिट कर देंगे। ऑन 18 दिसंबर द डेबिट बैलेंस ऑफ 1526 रुपीज एज द प्रीवियस डे वॉज ब्रॉट फॉरवर्ड एज द क्रेडिट बैलेंस। अब 18 फरवरी को हमारे पास डेबिट बैलेंस था 1526 रुपये का, लेकिन हमने गलती से उसको डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस दिखा दिया। अब हमको दिखाना था डेबिट लेकिन उसको दिखा दिया क्रेडिट। अब हमको अगर वापस उसको सुधारना है तो हमको उसको दो बार डेबिट करना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको 100 रुपये देने थे, ठीक है, 100 रुपये मेरे को आपको देने थे, लेकिन मैंने आपसे 100 रुपये ले लिए, ठीक है, तो अब मेरे को टोटल आपको 200 रुपये देने हैं ना, तो वही ये बात यहाँ पे है कि 1526 को हमको डेबिट दिखाना था लेकिन दिखा दिया क्रेडिट। अब हम क्रेडिट को सुधारने के लिए एक बार उसको वापस डेबिट करेंगे, लेकिन ये 1526 को डेबिट कर दिया, लेकिन और हमको वापस डेबिट दिखाना था, तो 1526 को डेबिट करेंगे, तो टोटल कितना डेबिट करेंगे, 3,052 रुपये। तो यही बात है कि उसने गलती से इसको क्रेडिट दिखा दिया था लेकिन डेबिट दिखाना था, तो रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंस 1526 × 2, तो 3,052 उसको डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग 11,514 ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड चेक एग्रीगेटिंग 7,815 इन कैश इन दिसंबर। अब ये जो चीज है ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर, ये कैश बुक के अंदर नहीं आएगा, ये क्या है कि भाई ये आएगा इसमें,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक पेमेंट, तो ये हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर, बैंक स्टेटमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये एरर तो नहीं है कोई, क्योंकि मतलब उसको इतने के चेक इशू किए थे लेकिन उसने अभी तक 7,815 ही निकाले, ठीक है। तो ये हमारा कोई क्लरिकल एरर नहीं है, तो इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। डिविडेंड ऑफ 250 रुपीज कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपए पेड बाय इट वर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये भी क्या है कि बैंक स्टेटमेंट जब हमको मिली तब हमको पता चला कि डिविडेंड 250 रुपए हमको मिला और उसने हमारे व्यापार 100 रुपए पे किए हैं, तो कैश बुक के अंदर इसका कोई लेन देन नहीं है अभी तक, क्योंकि ये देखो ये यहाँ पे आएगा क्रेडिट एंट्रीज शोन इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। तो ये वही एंट्री हुई ना कि भाई हमको पता कब चला, जब हमको बैंक स्टेटमेंट मिली, तो ये वो क्लरिकल एरर तो नहीं है। एंड डेबिट एंट्री शोन इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, तो ये भी इसको हम रफ वर्कशीट में अंदर नहीं करेंगे, क्योंकि क्लरिकल एरर, ये सिर्फ एरर पकड़ रहे हैं हम इसके अंदर। उसके बाद वन आउटगोइंग चेक ऑफ 350 रुपीज वर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब कुछ पैसा जा रहा था तो हम कैश को क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन हमने दो बार क्रेडिट कर दिया उसको, मतलब 350 रुपये एक बार कर दिया और उसको दो बार लिख दिया 350 ट्वाइस, तो हम एक बार उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एक बार डेबिट कर देंगे तो ये 350 रुपये हमने डेबिट कर दिया, आउटगोइंग चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, ठीक है 350। अब ये टोटल हमने एरर पकड़े कि हमको हमारे कैश बुक को 231 रुपये से क्रेडिट करना है और 3552 रुपये से डेबिट करना है, तो नेट कितना 3321 रुपये से हमको उसको डेबिट करना है, ठीक है। और डेबिट करना है तो मतलब उसको ऐड करना है, प्लस करना है, क्योंकि कैश का बैलेंस अगर डेबिट हो रहा है तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस जो डेबिट होता है और डेबिट प्लस डेबिट हमेशा प्लस में जाएगा, ठीक है। तो हमको हमारी कैश बुक में 3321 रुपये जोड़ना है, ये हमने एरर्स के अंदर पकड़ा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का हम देखते हैं कि हमारा, अब सबसे पहले हमको क्या चाहिए होता है, हमको चाहिए था बैंक का बैलेंस, वो कितना है 15,534 रुपये, तो यहाँ पे हमने लिखा 15,534, ठीक है। उसके बाद चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड, हमने कुछ चेक डिपॉजिट का कुछ था नहीं एंट्री यहाँ पे, चेक डिपॉजिट नहीं था, लेकिन ये चेक डिपॉजिट नहीं था, लेकिन इसमें क्या था, टोटल चेक अमाउंटिंग 15,514 ड्रॉन, मतलब हमने उसको ड्रॉ किया चेक को लास्ट 1 दिसंबर, चेक एग्रीगेटिंग 7,815 इनकैश्ड हुए, लेकिन हमने कितना का ड्रॉ किया 11,514 रुपये का, लेकिन उसके अंदर से 7,815 अभी तक ड्रॉ हुआ है, सॉरी 15, तो कितना पैसा बचा, 9,36,999 रुपये। अब 3699 हमारे बैंक बैलेंस से भी और पैसा निकलने वाला है, क्योंकि हमने उसको चेक लोगों को दे रखे हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 3699 माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, और अगर हमको कोई चेक मिला होता और वो क्लियरिंग में होता तो हम उसको ऐड करते, लेकिन कुछ था ही नहीं तो हमने उसको नील छोड़ दिया। अब एडजस्टेड बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट क्या आया, 11,815 रुपये, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ए निकल गया। उसके बाद अब हमको क्या चाहिए जी, कैश बुक का बैलेंस 8,364, कैश बुक का बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस 8,364, तो यहाँ पे लिख दिया 8,364। एडजस्टेड मेड बाय कैश बुक, यहाँ पे देखते हैं ऐड, क्लरिकल एरर कितना आया था हमारा यहाँ पे 3321 रुपये, ठीक है। अब 3321 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्योंकि वो डेबिट में था तो इसको ऐड कर दिया प्लस। उसके बाद ऐड एंट्री शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। अब ऐसी एंट्रीज जो कि बैंक स्टेटमेंट में दिखा रहा है लेकिन कैश बुक में हमने अपीयर नहीं किया, अब वो क्या थी, यहाँ पे हमने देखा था कि 250 रुपये हमको डिविडेंड आया था लेकिन हमने उसको अपनी बुक्स में नहीं दिखाया, तो 250 रुपये हमको आया तो कैश को, मतलब कैश बढ़ी हमारी तो उसको यहाँ प्लस कर देंगे, तो 250 रुपये हमारा प्लस हो जाएगा। और सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज पेड बाय इट, और इट कौन है, बैंक, तो बैंक के द्वारा 100 रुपये सब्सक्रिप्शन किसी भी चीज का था वो इसमें बताया नहीं, लेकिन उस सब्सक्रिप्शन फीस उसने हमारी 100 रुपये हमारे बैंक में पे करी, अब वो भी हमने अपनी कैश बुक में नहीं दिखाया तो उस 100 रुपये को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सब ऐड है, देखो डेबिट एंट्री शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक। अब कुछ ऐसी डेबिट एंट्री थी जो कैश बुक में हमने शो नहीं कर रखी थी तो उसको 100 को माइनस कर देंगे, अब इसको इसको प्लस ये माइनस, तो कितना आ जाएगा 11,835। अब ए ये बी आ गया, अब ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार है, ठीक है। अब ये जो 11,835 है ना, तो ये हमारा जाएगा फाइनल अकाउंट्स के अंदर बैलेंस, फाइनल अकाउंट जैसे ट्रेडिंग बैलेंस, पी एंड एल एंड बैलेंस शीट, तो उसके अंदर हम ये बैलेंस लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये अब हम सीख गए हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, आप कुछ डाउट हो तो वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्लरिकल एरर पकड़ने हैं, वो रफ वर्कशीट है, आप नहीं करना चाहो तो उसको यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या फॉर्मेट
मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस या मन में कर सकते हैं कैसे भी, लेकिन रफ वर्कशीट ऐसे तैयार कर लो तो थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहा था 1 दिसंबर को पेमेंट साइड कैश बुक वॉज अंडर का 100 रुपए। अब उसमें 100 रुपए कम दिखा रखे थे तो पेमेंट में, तो 100 रुपए हम और दिखा देंगे, 100 रुपए क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट 131 का चेक इशू किया था एंड बैंक वालों में दिखाया नहीं था, 131 का चेक इशू किया था तो उसको फिर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि तो हमने दिखाया नहीं उसको। ए बैंक डिपॉजिट 150 रुपए रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज देर इज नो बैंक कॉलम। तो 150 रुपए का चेक हमने रिकॉर्ड कर रखा था लेकिन बैंक उसमें दिखाया नहीं, मतलब बैंक कॉलम है, तो वापस हम उसको डेबिट कर देंगे, शोन इज कैश कॉलम। ठीक है, तो डिपॉजिट एंट्री थी 150 रुपए की, उसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद 18 दिसंबर डेबिट बैलेंस ऑफ 1526 वाज प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड टू क्रेडिट बैलेंस। अब वहां का डेबिट बैलेंस था लेकिन उसको हमने क्रेडिट मान लिया था तो 2 बार उसको डेबिट कर देंगे, तो 1526 × 2 3052 को डेबिट कर देंगे। फिर ये एंट्री थी चेक वाली, ये जाएगी हमारी बैंक की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, ये भी जाएगी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। एंड वन आउटगोइंग चेक 350 रुपीज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। अब ये 2 बार रिकॉर्ड कर दिया हमने कैश बुक के अंदर, तो एक बार उसको हटा देंगे तो एक बार उसको डेबिट कर देंगे। अब ये डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने क्या किया था, जब हम आउटगोइंग चेक थे मतलब पैसा जा रहा था, पैसा जा रहा था तो हम कैश को क्रेडिट कर रहे थे। अब क्रेडिट हमने जब कर दिया तो 2 बार कर दिया उसको क्रेडिट, तो एक बार उसको डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे इसी वजह से डेबिट किया। ठीक है, तो यहाँ डेबिट कर दिया। अब इसका नेट इम्पैक्ट कितना है, 3321 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले दिख देंगे बैंक का बैलेंस, उसके बाद कोई चेक तो क्लियरिंग में था नहीं तो जो हमको मिलना था तो उसको नील छोड़ देंगे, उसके बाद वो चेक थे जो हमने इशू कर रखे थे तो उसका डिफरेंस था 3699 रुपये, तो यहाँ पे आ गया था 11835 रुपीज। ठीक है, उसके बाद बैंक का बैलेंस कितना था, कैश का बैलेंस था 8364, क्लरिकल एरर 3321 रुपये जो हमारे हमने पीछे अभी देखा उसको ऐड कर देंगे। उसके बाद 250 रुपये का हमको डिविडेंड मिला था जो कि हमने कैश बुक में लिखा नहीं था तो उसको ऐड कर देंगे, और 100 रुपये का कुछ सब्सक्रिप्शन फीस उसने पे की थी हमारे बिहार में, इसको माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 11835। 11835 तो ए इज इक्वल टू बी हो गया, तो हमारा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट तैयार है। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया कि हमको ऐसे रो डेटा दिया होगा, ऐसे लिख के दे दिएगा डेटा, तो हमको पता है कि हमको कैसे बनाना है। अब कई बार क्या होता है कि ये तो ठीक है लेकिन कई बार हमको एक्सट्रैक्ट दे देता है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब हमको उसकी कैश बुक दे दी पूरी, मतलब कैश बुक अकाउंट ही दे दिया और हमको बैंक की स्टेटमेंट दे दी। अब बैंक की स्टेटमेंट और कैश बुक को देख के हमको बनाना पड़ेगा कि कैसे हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं। ऐसे लिखा नहीं होगा क्या एरर हुआ, वो आपको पहचानना उसके अंदर उसकी एंट्रीज को मतलब कंपेयर करके, और उसके बाद हम उसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखो हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट व्हेन व्हेन एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे कुछ उसके, सबसे पहले देखेंगे फाइंड आउट द पीरियड विच बोथ द एब्स्ट्रैक्ट आर गिवन। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि वो जो दोनों एब्स्ट्रैक्ट दे रखे हैं मतलब कैश बुक और बैंक बैंक स्टेटमेंट, तो वो सेम पीरियड के हैं क्या अलग पीरियड के। उसके बाद कंपेयर द कैश बुक डेबिट साइड विद द पासबुक क्रेडिट साइड एंड द कैश बुक डेबिट साइड क्रेडिट साइड विद द पासबुक डेबिट साइड। तो पहले कंपेयर कर लेंगे दोनों को कि अगर दोनों एंट्रीज मैच हो रही हैं तो हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर नहीं हो रही तो फिर हम आगे उसको देखते हैं। ठीक है, व्हेन द पीरियड ऑफ विच बोथ द एब्स्ट्रैक्ट आर गिवन एंड कॉमन, दैट इज कैश बुक एब्स्ट्रैक्ट रिलेट्स टू जनवरी एंड पासबुक एब्स्ट्रैक्ट रिलेट टू जनवरी, टेक इन टू अकाउंट ओनली अनकॉमन एंट्रीज। और अगर सेम दे रखे हैं टाइम, सेम पीरियड के दे रखे हैं तो हमको सिर्फ अनकॉमन एंट्रीज पकड़नी है, तो जो कॉमन एंट्री है वो तो वैसे ही स्क्वेयर ऑफ होगी है, तो हमको सिर्फ अनकॉमन एंट्रीज पकड़नी है। उसके बाद व्हेन द पीरियड ऑफ विच बोथ द एब्स्ट्रैक्ट आर गिवन इज अनकॉमन, दैट इज कैश बुक रिलेट्स टू जनवरी बट द पासबुक रिलेट्स टू फरवरी, टेक इन टू अकाउंट ओनली कॉमन एंट्रीज। और अगर हमको अलग अलग पीरियड की कैश बुक और पासबुक दिया तो हमको सिर्फ कॉमन एंट्रीज पकड़नी है, क्योंकि हम अनकॉमन एंट्री से तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनवरी का वहाँ पे एंट्री जो वहाँ पे फरवरी के, तो उससे क्या ही कर लेंगे हम बनाते एक सर्टेन पीरियड के लिए रहे ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो करके हम ये बोल रहा है कि हमको अगर सेम पीरियड की है तो हमको अनकॉमन एंट्रीज पकड़नी है, और अगर डिफरेंट पीरियड की है तो हमको सिर्फ कॉमन एंट्रीज पकड़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर द पीरियड इज सेम अनकॉमन एंट्रीज विल अपीयर इन द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और अगर पीरियड सेम है तो अनकॉमन एंट्रीज हमारी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में आएगी, और व्हेन द पीरियड इज डिफरेंट देन कॉमन एंट्री विल अपीयर इन रिकंसिलिएशन, और अगर डिफरेंट डिफरेंट पीरियड है तो हमारी सिर्फ कॉमन एंट्रीज को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लाएंगे। देखते हैं अभी आगे इसको, ये सिर्फ एक थ्योरी पार्ट है जो आपको थोड़ा समझाना था, मतलब ये क्या ये चीजें थ्योरी के अंदर पूछ सकती है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर
बना एब्स्ट्रैक्ट से बैंक इरिगेशन स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, तो ये वो बातें हैं। अब देखते हैं कि इसका उदाहरण देखते हैं, इलिस्ट्रेशन देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम ओनली एंड द पास बैंक पासबुक ऑफ एक्स ट्रेडिंग कंपनी प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। ठीक है, तो ये उसकी कैश बुक है मिस्टर एस ट्रेडिंग की। अब ये कैश बुक पूरी है उसकी, उसका बैलेंस कितना है 12,500 है। फिर उसने ये पैसे, उसको ममता से पैसे मिले, गीता से पैसे मिले, विद्या से, शीला से, ये दिया का बैंक कॉलम ओनली दिया हुआ है, ये पासबुक का ओनली बैंक कॉलम है। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन है बैंक के रिलेटेड है। ठीक है, 840 का उसको डिविडेंड मिला है, ये उसने खुद के अपनी बुक्स में कैश बुक में एंट्रीज कर रही है। फिर गोयल को पेमेंट करी, पित्तर को करी, जॉर्ज को करी, जोशी को करी, ब्लैक को करी, व्हाइट को करी, मदन लाल को करी, और टोटल बैलेंस हमारा रिमेनिंग बैलेंस बच गया 13,740 रुपए। ठीक है, तो ये इसका होगा कैश बुक, ये अभी क्वेश्चन चल रहा है। उसके बाद बैंक पासबुक दे रखी है। अब बैंक पासबुक के अंदर क्या है जी, उसका बैलेंस था 12,500 डिपॉजिट पर, तो ये इसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, 12,500 उसका बैलेंस था। फिर उसने गोयल को पेमेंट कर दी 3,000 की, ममता से मिले 3,000, पित्तर को दिए 4,000, गीता से मिले 5,000, जोशी को दिए 8,000, विद्या से मिले 8,000, डिविडेंड मिला 4,480 रुपए, ब्लैक को पेमेंट करी 5,000 की, LIC प्रीमियम दिया 500 का, और बाकी बैलेंस कितना बढ़ गया 8,480 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको इतना ही दिया था, जब एब्स्ट्रैक्ट दिया जाता है तो इतना ही क्वेश्चन होता है। अब इन दोनों को कंपेयर करके हमको ये बनाना है कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस ये देखना है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला था वो, कि ये देखो कि उसका पीरियड सेम है। ठीक है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट का तो पीरियड क्या है दोनों का, हमने जानते हैं 31 दिसंबर 2022 ही है। तो सबसे पहले तो हमारा पीरियड सेम हो गया। उसके बाद कंपेयर द कैश बुक डेबिट साइड विद द पासबुक क्रेडिट साइड एंड कैश बुक क्रेडिट साइड विद द पासबुक डेबिट साइड। अब हमको कंपेयर करने का बोल रहा है। अब कंपेयर कैसे करेंगे जी, सबसे पहले हम पास कैश बुक का डेबिट साइड पकड़ते हैं। ठीक है, डेबिट साइड में बोल रहा है कि ममता से हमको 3,000 रुपये मिले। अब ममता से हमको 3,000 मिले तो हमें कैश बैंक अकाउंट में क्या होगा, हमारे क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट से क्रेडिट हुआ ममता, तो ममता और ममता। ठीक है, अब इसके बाद उसने एक बात और बोली थी कि अगर वो कॉमन एंट्रीज हैं तो हम सिर्फ अनकॉमन एंट्रीज को पकड़ेंगे। ठीक है, देख एब्स्ट्रैक्ट सेम पीरियड के लिए है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट इज कॉमन द कैश बुक एब्स्ट्रैक्ट जनवरी, पासबुक एब्स्ट्रैक्ट ऑल्सो जनवरी, देन टेकिंग अनकॉमन एंट्रीज। ठीक है, तो अनकॉमन एंट्रीज का पकड़ने का बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा मैच कर लेते हैं। ममता के 3,000 आ गए, उसके बाद गीता के 5,000, यहाँ से गीता से 5,000, गीता से 5,000 आ गए। ठीक है, तो ये गीता से भी 5,000, तो हम क्या करेंगे इसको हटा ही देंगे, ये हटा दिया और ये हटा दिया, यहाँ पे ये हटा दिया और ये हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट विद्या से 8,000, अब विद्या से 8,000 आए, हाँ जी विद्या से 8,000 आ गए, तो ये भी काट दिया। ठीक है, हमको सिर्फ अनकॉमन एंट्रीज पकड़नी है सेम पीरियड में। उसके बाद यहाँ से शीला से 10,500, अब यहाँ पे कहीं शीला नहीं है। ठीक है, तो शीला का हम पेंडिंग में रखते हैं, और डिविडेंड है 840, और डिविडेंड यहाँ पे कितना है 480, लेकिन बैंक के अंदर हमारा 480 डिविडेंड है, लेकिन हमने गलती से हमारी बुक्स के अंदर 840 लिख रखा है। तो ठीक है, तो इसको ये क्या है, एक क्लरिकल एरर हुआ, तो इसको भी एडजस्ट करेंगे। उसके बाद देखो ये हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया, शीला बाकी है और डिविडेंड को सही करना है, बाकी तीन ट्रांजेक्शन हमको बैंक स्टेटमेंट के अंदर मिल गई। अब इधर से देखेंगे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में क्या है भाई, गोयल को पेमेंट करी 3,000 रुपये की। अब यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा होगा, तो गोयल साहब को पेमेंट करी 3,000 की, तो गोयल साहब मिल गया हमको 3,000, इसको काट दिया, इसको काट दिया, और यहाँ पे इसको हटा दिया, और पित्तर भाई साहब को करी 4,000 रुपये की, यहाँ पित्तर को 4,000। ठीक है, उसके बाद ये भी काट दिया, उसके बाद जॉर्ज को करी 2,000 रुपये की, तो यहाँ पे कोई जॉर्ज है, यहाँ कोई जॉर्ज नहीं है। ठीक है, तो जॉर्ज को हम पेंडिंग में रखते हैं, ये अनकॉमन एंट्रीज होगी। उसके बाद जोशी को करी 8,000 की, ये जोशी जी मिल गए, तो जोशी जी को करी 8,000 रुपये की, तो ये भी काट दिया और जोशी जी काट दिए। उसके बाद ब्लैक को करी पेमेंट 5,000 रुपये की, यहाँ ब्लैक को भी पेमेंट कर दी 5,000 की, तो यहाँ से ब्लैक भी हटा दिया। उसके बाद व्हाइट को करी 100 रुपये की पेमेंट, कोई व्हाइट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाइट को पेंडिंग में रखा, तो ये भाई साहब भी पेंडिंग में रहे, ये हमारी अनकॉमन एंट्रीज है। ठीक है, अनकॉमन एंट्रीज को अलग से हाईलाइट कर रहे हैं, और मदन लाल जी को पेमेंट करी 4,000 की, लेकिन 4,000 पे मदन लाल जी भी यहाँ नहीं है, तो मदन लाल जी को भी पेंडिंग में रख। तो हमने ये हाईलाइट कर लिया कि ये हमारी जो अनकॉमन एंट्रीज है जो कि कैश बुक के अंदर है लेकिन पासबुक के अंदर नहीं है। ठीक है, और ये हमने हाईलाइट करके रख लिया। अब हमको बनाना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले हमको क्या चाहिए,
बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस चाहिए। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कहाँ से मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए हमको, तो ये है क्लोजिंग बैलेंस 8480, हमने रख दिया 8480 रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए भाई, चेक डिपॉजिट बट नॉट येट क्रेडिटेड। अब चेक को डिपॉजिट किया लेकिन वो अभी तक क्रेडिट नहीं हुए, हमने क्या किया अभी चेक हमको मिले थे लोगों से, ठीक है, कुछ लोग थे जिससे हमको पैसे लेने थे, वो हमको चेक दे के गए, लेकिन हमने उसको बैंक में लगाया, लेकिन बैंक में अभी तक क्लियरिंग की वजह से अब तक जमा नहीं हुआ। अब वो पकड़ना है, अब वो कैसे आएगा भाई, यहाँ पे देखो ये ममता ने हमको चेक दिया था, ये हमारे खाते में जमा हो गया था तो इसको हटा दिया, गीता ने चेक दिया था 5000 का, ये भी जमा हो गया था, विद्या ने दिया था 8000 वो भी जमा। अब शीला हमको चेक देके गई थी लेकिन ये हमने जमा नहीं, ये अभी तक जमा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो शीला नाम का कोई एंट्री नहीं है। तो 10500 रुपये हमारे पास ऐसा चेक है जो हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, क्योंकि हमने तो उसी दिन डेबिट कर दिया था जिस दिन हमको बस चेक मिला और हमने बैंक में लगाया, लेकिन बैंक में अभी तक जमा नहीं हुआ। तो वो 10500 शीला का चेक हम बोल सकते हैं कि हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो यहाँ 10500 हम ऐड कर देंगे। और सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट इन द बैंक स्टेटमेंट। अब हमने चेक इशू किया था कितने रुपए का वो देखते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी तक बैंक से हमारे डेबिट नहीं हुआ, लेकिन हमने हमारी कैश बुक को डेबिट उसी टाइम कर दिया। अब देखो ये कौन सा चेक हो सकता है, देखो जोर भाई साहब को हमने पेमेंट करी थी 2000 रुपए की, 2000 और 100 रुपए मिस्टर व्हाइट को देने थे 2100 और मदन लाल को 4000, तो 2100 और 4000 6100 रुपए, 6100 के चेक हम इशू कर चुके हैं लेकिन हमारे अभी तक बैंक ने हमारे काटे नहीं है पैसा, मतलब बैंक स्टेटमेंट से बैंक पासबुक से हमारे वो अभी तक विड्रॉ में दिखा नहीं रहा। तो हम बोल सकते हैं 6100 के ऐसे चेक थे जो कि हमने दे रखे हैं लेकिन अब तक बैंक स्टेटमेंट से माइनस नहीं हुए। तो 8480 प्लस 10500 माइनस 6100 तो कितना आ जाएगा 12880, तो ये हमारा ए पार्ट तैयार हो गया है। ठीक है, अब बैंक बैलेंस का एडजस्टेड बैलेंस हमको, बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड बैलेंस हमको मिल गया है। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा कि हमने सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिया प्लस 10500 क्या है कि हमने चेक हमको मिला है लेकिन हमारी कैश में हमारे बैंक में जमा नहीं हुआ अभी तक। तो शीला का जो चेक था 10500 वो हमने ऐड कर दिया और माइनस क्या कर दिया जी, जॉर्ज का चेक 2000 का, 100 रुपये मिस्टर व्हाइट का और 4000 रुपये मदन लाल का, 6100 के चेक हमने दिए हुए लेकिन अभी तक हमारे क्रेडिट नहीं हुए, तो वो हमने मतलब वो हमारे डेबिट नहीं हुए तो उसको माइनस कर देंगे, तो 12880 हमारा बैलेंस आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट का एडजस्टेड। उसके बाद हम मैच करेंगे कैश बुक, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 13740, तो यहाँ पे मिल जाएगा ये 13740, ये हमारा कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है 13740 हुआ ये रहा। उसके बाद एडजस्टेड मेड ऑफ कैश बुक, ठीक है, एड क्लरिकल एरर क्या था, अब हमने नोटिस किया था कि यहाँ पे डिविडेंड कितना लिखा है, सॉरी यहाँ पे डिविडेंड है 480 रुपये, मतलब बैंक में जमा हुआ 480, ठीक है, और हमने कितना लिख दिया था यहाँ पे 840, हमने 840 पे लिख दिया कि बोल दिया कि हमने हमको 840 मिले हैं लेकिन रियलिटी में हमको 480 मिला था, तो इसका डिफरेंस आ गया 360। अब 360 रुपये ऐसा था जो कि हमने हमारी कैश बुक में ज़्यादा डेबिट कर दिया था लेकिन हमको करना कितना चाहिए था 480 करना चाहिए था। अब यहाँ पे अगर 480 लिखते हैं, ठीक है, और लिख दिया 8000, 360 रुपये ज़्यादा डेबिट कर दिया तो हमारा यहाँ पे बैलेंस भी बढ़ गया 360 से, ठीक है, तो हमको माइनस करना ही है क्योंकि 360 यहाँ का बैलेंस कम होगा तो ये बैलेंस भी कम होगा ना, 360 रुपये ऑलरेडी ज़्यादा जुड़ा हुआ है तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 360 रुपये ये यहाँ पे माइनस है या ऐड नहीं है, ये सब्सट्रैक्ट है, ठीक है, तो 360 रुपये ये हम माइनस कर देंगे। और उसके बाद क्रेडिट एंट्री शोन इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, अब ऐसा कोई एंट्री है जो क्रेडिट एंट्रीज जो हमको बैंक स्टेटमेंट में मिली है लेकिन कैश बुक में नहीं है, तो ये तो बैलेंस है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो ऐसे कोई एंट्री नहीं है तो इसको हम नील छोड़ देंगे। उसके बाद सब्सट्रैक्ट डेबिट एंट्री शोज इन बैंक स्टेटमेंट बट नॉट अपीयरिंग इन कैश बुक, अब ऐसी कोई डेबिट एंट्री जो कैश बुक में नहीं लिखी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी आ गया, लेकिन ये LIC प्रीमियम की 500 रुपये की एंट्री है जो हमने हमारी कैश बुक में कहीं भी लिखी नहीं, ठीक है, तो 500 रुपये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ये 500 रुपये क्या कि LIC का प्रीमियम हमारे ब्याह में बैंक ने पे कर दिया लेकिन इसको हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं अभी तक, मतलब हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया हमारी बुक्स के अंदर, तो यहाँ पे हम 500 रुपये सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 13740 के अंदर 860 रुपये माइनस करेंगे तो 12880 ये मिल गया हमको बी, ए था 12880, बी था 12880, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है और हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार है। ठीक है, अब ये जो बैलेंस है ये हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे हमारे फाइनल अकाउंट के अंदर,
ठीक है, फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो अब देखो हमने दोनों तरीके से सीख लिया कि हम अब्स्ट्रैक्ट्स के साथ कैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, और नॉर्मल अगर थ्योरेटिकल में लिखा होता है तो हमको कैसे बैंक स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस। अब ये बोल रहे हैं कि कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थ्योरी का टॉपिक है, देख लेते हैं इसको। वी हैव लर्नड द सर्टेन एंट्रीज अपीयर इन द पासबुक फर्स्ट एंड देन बाय कंपेयरिंग द पासबुक विद कैश बुक दीज मिसिंग एंट्रीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन कैश बुक। अब हम ये जानते हैं ना कि भाई हमारी कैश बुक को उठाकर पासबुक से कंपेयर करते हैं, और पासबुक जैसे जैसे बोलता है कि भाई ये डेबिट है ये क्रेडिट है, तो उसके हिसाब से हम कैश बुक को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, द ट्रेडर मस्ट नो द करेक्ट बैलेंस एट एनी टाइम सो दैट ही कैन इशू चेक ओनली टू एक्सटेंड द अवेलेबल बैंक बैलेंस। देयरफॉर बिफोर अपीयरिंग ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट द अकाउंटेंट मेक द नेसेसरी करेक्शन इन द कैश बुक एंड एडजस्टेड द बैंक बैलेंस बैंक बुक कैश बुक बैलेंस। तो वही बोल रहा है कि भाई हमको बिजनेस चलाने के लिए हमको ये पता एक्यूरेटली पता होना चाहिए कि हमारा बैलेंस कितना है। ठीक है, और इसको जानने के लिए अकाउंटेंट को पहले से कुछ ऐसे नेसेसरी करेक्शन कर लेने चाहिए जिससे कि कैश बुक का बैलेंस मैच करता रहे। ठीक है, आइटम्स विच कैन यूजली बी एडजस्टेड इन कैश बुक आर। अब ये बोला कि ऐसे क्या क्या ऐसी आइटम है जो कि कैश मतलब बैंक स्टेटमेंट आने का वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले उस अकाउंटेंट को अपने कैश बुक के अंदर करेक्शन कर लेनी चाहिए। जैसे कि पेमेंट मेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। अब हमको पता है कि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हमें दे रखी है तो उस पेमेंट की एंट्रीज कर सकते हैं पहले। बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक चार्जेस कुछ ले रहे या ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। फिर कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी या डिविडेंड ऑन द शेयर बाय बैंक। अब कुछ हमने बिजनेस के अंदर ऐसी सिक्योरिटीज खरीद रखनी है या ऐसे कोई इक्विटी पे या किसी भी चीज़ में हमको डिविडेंड प्राप्त हो रहा है तो वो उसकी हम एंट्रीज कर सकते हैं। डेबिट द डिसओनर ऑफ चेक इन द पासबुक। अब कुछ ऐसे डिसओनर चेक हमने बैंक में लगाया लेकिन वो डिसओनर हो गया तो हम उसको एडजस्टेड एंट्री उसको कैशबुक के अंदर भी कर लेनी चाहिए। फिर डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर ऑफ ट्रेडर। तो कुछ कस्टमर है जो डायरेक्ट डिपॉजिट कर देते हैं तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। एरर कमिटेड इन कैशबुक, और कुछ एरर जो हमको स्टेटमेंट बनाने से पहले ही मिली है तो उसको तब भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हम यूजली जो कैशबुक और उसका पासबुक का डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब इसके फायदे क्या हैं, हम इतना सब कुछ करते हैं लेकिन इससे ट्रेडर को क्या फायदा होता है। सबसे पहला फायदा इट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज मेड इन कैशबुक। सबसे पहले तो ये कैशबुक के अंदर जो भी एंट्रीज हो रही है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने में मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू डिटेक्ट द एरर एंड टेक टाइमली एक्शन ऑफ करेक्शन ऑफ बैलेंस। ठीक है, दूसरा ये कि भाई हमारे जो एरर हम कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करने में या उसको टाइमली एक्शन से उसको सही कर सकते हैं तो उसमें मदद करता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल टेक्निक ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तीसरा कि मैनेजमेंट को कंट्रोल टेक्निक देता है कि मैनेजमेंट को पता चलता है कि उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है तो उसको उधर वो कैसे कुछ स्ट्रेटजाइज करके काम कर सकता है। मतलब उसको जब तक पता ही नहीं होगा कि हमारा बैंक बैलेंस करेक्टली क्या है या कौन सा खर्चा किस पे कितना हो रहा है तो तब तक मैनेजमेंट कुछ डिसीजन नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट है इट शोज द करेक्ट बैलेंस बैंक बैलेंस एट द पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बैंक का करेक्ट बैलेंस हमको दिखाता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिपॉजिट मेड बाय कस्टमर ऑफ द ट्रेडर। ठीक है, तो कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट जो कस्टमर कर देता है तो वो भी इसमें दिखा सकता है, उसका फायदा होता है। इट रिवेल्स फ्रॉड्स कमिटेड बाय द स्टाफ हैंडिंग कैश एंड चेक एंड दस हेल्प द मैनेजमेंट टू हैव इफेक्टिव कंट्रोल। ठीक है, और ये लास्ट में ये दिखाता है कि भाई कुछ स्टाफ ऐसा कुछ फ्रॉड तो नहीं कर रहा, और अगर हमारा कैशबुक और बैंक का पासबुक का अगर मैच कर गया तो इससे मैनेजमेंट को इफेक्टिव कंट्रोल मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हमने मेरे हिसाब से पूरा अच्छे से बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट समझ लिया है, जिससे हमने सबसे पहले ये देख लिया कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। नेक्स्ट देख लिया कि भाई उसके क्यों कैसे बनाते हैं क्यों बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसके फॉर्मेट देखा और उसमें गलती क्या क्या होती है एरर क्या क्या वो देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि हम उसका इलस्ट्रेशन देख लिया, थ्योरेटिकल में दिया हो तो कैसे बनाएंगे। फिर कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट दिए होते हैं
तो एक्सट्रैक्ट के द्वारा हम कैसे बना सकते हैं, फिर उसके एडवांटेज देख लिए कि बैंक रिकंसिलिएशन के एडवांटेज क्या है, फिर लास्ट में हमने देख लिया कि भाई क्या देखा, तो कैश बुक को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम चीजें इस टॉपिक इस चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे एमसीक्यूज कि एग्जाम के अंदर कैसे हमारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिलेटेड। देख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हेल्प टू अराइविंग एट द एक्विजिशन एक्चुअल पोजिशन ऑफ द बैंक बैलेंस, तो ये तो सही है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द बैंक, बैंक थोड़ी प्रिपेयर करता है इसको, तो हमारी फर्म के द्वारा या अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत है। ठीक है, तो सेकंड होगा, ए बैंक स्टेटमेंट इज ए कॉपी ऑफ व्हाट, ए कस्टमर अकाउंट इन द बैंक बैंक बुक। ठीक है, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कैश कॉलम ऑफ द बैंक बुक, तो सबसे पहले ए ही होगा, तो ए अकाउंट की कॉपी है जो बैंक हमको प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, रिकंसिलिएशन ऑफ ओवरकास्टिंग और रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, इससे क्या होता है भाई, उसने ओवरकास्ट कर रखे अपनी रिसिप्ट साइड की कैश बुक को, तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। तो ऑब्वियस ही बात है ना, जब हमने हमारा क्रेडिट साइड को इंक्रीज कर रखा है, ये कैश बुक है, कैश बुक का ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, अब हमने इधर इसको इंक्रीज कर रखा, तो हमारा जो नीचे बैलेंस निकल जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा, तो वही बात बोल रहा है कि डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ कैश बुक। नेक्स्ट है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन द बैंक विद नो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। अब कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कर दिया हमारे बैंक में, तो इससे क्या होगा, शोज ए हायर पासबुक बैलेंस देन द कैश बुक, शोज ए लेसर पासबुक बैलेंस इन द कैश बुक, शोज ए डॉट डिफरेंस, तो हायर बैलेंस आएगा ना, तो क्योंकि उसने जमा कर दिया लेकिन हमने कैश बुक में एंट्री नहीं करी, तो ए आएगा उसका। व्हाट इज द नॉट द कॉज ऑफ द पासबुक एंड कैश बुक डिफरेंस, पासबुक और कैश बुक के डिफरेंस का कॉज कौन सा नहीं है, सबसे पहले तो अंडरकास्टिंग हो सकता है, ओवरकास्टिंग भी हो सकता है, उसने ज्यादा दिखा दिया, क्रेडिट और डेबिटिंग द अमाउंट ऑफ द सम अदर अकाउंट कुछ अदर अकाउंट में दिखा दिया, तो वो भी रीजन हो सकता है, लेकिन जनरलाइजिंग नहीं हो सकता। जनरलाइजिंग तो क्या है, जनरल एंट्रीज करना, तो वो कोई नहीं हुआ कि उसका पासबुक और चेकबुक का डिफरेंस क्रिएट हो। फाइंड द एंट्री विच नॉट इफेक्ट द चेंज ऑफ कैश बुक, अब कौन सी चीज है जो कैश बुक और पासबुक को इफेक्ट चेंज इन जिसकी वजह से हमको कैश बुक के अंदर चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, बैंक चार्जेस हैं तो बैंक चार्जेस कटेगा, लेकिन कैश बुक हमने चेंज कैश बुक अंदर में नहीं दिखा तो हमको चेंजेस करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक है, इंटरेस्ट हमको मिला लेकिन हमने कैश बुक नहीं दिखा तो उसके लिए भी चेंजेस करने पड़ेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट है, अब ओवरड्राफ्ट पे बैंक ने हमसे इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया लेकिन हमने कैश बुक में नहीं दिखाया था तो उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन चेक इशू टू क्रेडिटर, लेकिन चेक को इशू कर दिया तो उसके लिए हमको कुछ चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डी होगा उसका। ए डेबिट बैलेंस इन द बैंक स्टेटमेंट रिप्रेजेंट व्हाट, अब बैंक स्टेटमेंट अंदर हमारा डेबिट बैलेंस है, बैंक के अंदर तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए ना, लेकिन डेबिट है, वो क्या है, वो हमारा बिजनेस का ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है। व्हाट इज नॉट द एडवांटेज ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, अभी हमने देखे एडवांटेज, तो उसमें ये बोल रहा है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो सबसे पहला इट हेल्प द मैनेजमेंट टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्रीज मेड इन द कैश बुक, ये सही है। इट शोज द करेक्ट बैंक बैलेंस इन द पर्टिकुलर टाइम, ये भी सही है। इट हेल्प टू डिटेक्ट एरर एंड टेक टाइमली एक्शन फॉर द करेक्शन ऑफ बैलेंस, ये भी सही है। इट हेल्प टू ग्रो बिजनेस फास्टर, ये गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो का अंत करते हैं। आप लोग मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस चैप्टर के अंदर क्या ऐसा समझ नहीं आया, तो और मैं आपको कमिट करता हूँ कि आपको पूरी मदद मिलेगी, और कमेंट सेक्शन में आपको मैं रिप्लाई करूंगा।